Guys, what's up? Good morning, everyone. Good morning, good morning. Hello, 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 hello. Good morning, Ram Ram. Good morning. डूंग वेल डूंग वेल मस्त एकदम चलो आ जाओ <clears throat> कौन कौन है जरा बताओ फटाफट -फ़ड़ लाइक करो डेढ़ सौ लोग पचास लाइक कैसा चलेगा चलो 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 फटाफट 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 एक बार मस्त लाइक करी दो हाँ दो तीन दिन से राइट राइट से पढ़ा रहा हूं। चलो लेट्स स्टार्ट लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम ओके, ऑल द रिविजन लेक्चर्स विल बी अवेलेबल जो क्वेश्चन के पार्ट है वो सिर्फ लाइव लेंगे और क्वेश्चन हम लोग बाद में प्राइवेट करते थे बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिस बैच थिंग सो जो uh, अपने रिविजन लेक्चर्स है वो मैं पब्लिक करके रख देता हूँ जिनको क्वेश्चन करने हैं दे कैन कम लाइव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन दे के लेक्चर लेक बा तो सब है ही ऑनलाइन अवेलेबल ठीक है सो फॉर दिस इज स्पेसिफिकली ओके सो ये इंटर का है फाइनल का है ये क्वेश्चन है सी स्पेसिफिकली आई एम टेकिंग दिस फॉर इंटर वाई एम सींग बिकॉज फाइनल के लिए आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेक्चर इट इज ऑलरेडी देयर बिकॉज इन इन फाइनल देर आर रूल फोर्टी टू रूल फोर्टी थ्री जो इंटर में नहीं है सो आई विल नॉट कवर दोस पॉइंट्स राइट नाउ बट मैंने जो ऑलरेडी फाइनल के लिए अपलोड किया है यू कैन वॉच बिकॉज़ उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स मतलब एडिशनल पॉइंट्स भी है अमलगमेशन डी मर्जर के भी पॉइंट्स है मेडिकल के रिटर्न के भी पॉइंट्स है तो वो सब के पॉइंट्स ना तुम लोग देख सकते हो इन दैट लेक्चर सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर इंटर राइट ओके चलो स्टार्ट करते हैं दोस्त एकदम फटाफट चालू करते चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज देर एनी चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इज देर एनी चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कोई है क्या कोई तो ऐसा होगा यार कार्टून जो, जो पहली बार कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी टेक टू एंड हाफ आवर्स टू फिनिश बिकॉज बीच में आई एम गोइंग टू कीप वन फ्लो बिकॉज अदरवाइज खत्म ही नहीं होगा ये चैप्टर ओके okay. तो ये जो चैप्टर है ना दोस्त आ, स्टार्ट करते हैं मैं रिकॉर्डिंग भी अपना स्टार्ट कर लेता हूं यस सो दिस चैप्टर इज अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर जीएसटी और इफ यू आर वाचिंग इट फॉर फाइनल टैक्स बिकॉज ये जो मेन पॉइंट है ना ये जो मेन चैप्टर है ना इसमें से तुम लोगों को क्वेश्चंस आने वाले हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं जो मैंडेटरी क्वेश्चन आता है ना मैंडेटरी क्वेश्चन क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉइंट्स आर गोइंग टू बी ऑन दिस नाउ अभी देखो क्या होता है अभी देखो क्या होता है इसमें ये जो पूरा चैप्टर है उसमें कैसे क्वेश्चन आने वाले ये पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे नंबर वन फर्स्ट दे विल आस्क यू टू कंप्यूट आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई पे जो भी टैक्स आएगा वो हम लोग कंप्यूट करेंगे सो आउटवर्ड सप्लाई जो भी होगा उसके रिलेटेड हम लोगों को दो चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे नंबर वन दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड नंबर टू दैट इज एग्जेम्शंस राइट नंबर वन वैल्यू ऑफ सप्लाई नंबर टू एग्जामेश बेस्ड ऑन दिस यू विल अंडरस्टैंड वॉट इज द टैक्स लाइबिलिटी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी देन दे विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनपुट इनवर्ड सप्लाइज जिसपे तुझे क्या लगता है जिसपे तुझे इनपुट टैक्स लगता है राइट इनपुट टैक्स क्रेडिट तुझे जो मिलता है वॉट एवर इनपुट टैक्स क्रेडिट यू विल टेक वॉट एवर इनपुट टैक्स क्रेडिट यू विल टेक उसका मैं क्या करूंगा डिडक्शन ले लूंगा फ्रॉम माई आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स वो मुझे क्या मिलेगा फाइनल टैक्स लाइबिलिटी मिलेगा

रिदम में पूरा आगे जाएंगे एंड वी विल फिनिश एवरीथिंग आई विल गो वेरी स्लो आई विल नॉट गो फास्ट आई विल गो वेरी स्लो सो तुम लोगों को ना पूरा का पूरा अटेंटिव रहना ये पूरे चैप्टर में ये पहले मैं यूट्यूब चालू करता हूं रुको तुम लोगों के इसके लिए मजा आएगा ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है तुम लोगों को समझेगा रियलाइज होगा तुम लोगों को कि इजी चैप्टर है कि नहीं से सर <laughs> एवरी चैप्टर के पहले ऐसे बोलते इजी चैप्टर है पर इजी चैप्टर है लॉजिकल चैप्टर है अपने पास शार्ट सब कुछ एक मस्त एक हो जाएगा चलो स्टार्ट करते सो आई विल टेक फॉर टू आवर्स एंड देन आई टेक अ ब्रेक लेट्स सी दो घंटे में खत्म हो सका तो हो भी जाएगा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज <coughs> मैंने फाइनल का लेक्चर टू एंड आवर में कंप्लीट किया तो ये दो घंटे में हो ही जाएगा चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट दोस्त इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टार्ट करते हैं पर उसके पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट इधर लिखेंगे इधर एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे कि सर इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जैक्टली है क्या इधर सब लोग देखो देर आर थ्री पार्टीज अरे वेरी गुड अभी मेरा स्क्रीन ही चल रहा है शाबाश क्या बात है वॉट अ स्टार्ट वॉट अ स्टार्ट मुझे पहले स्क्रीन एडजस्ट करने दे उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जस्ट मुझे एक मिनट देना सिर्फ अभी तक जिन्होंने लाइक किया नहीं फटाफट लाइक करो रे भगवान देख रहे यस yes, हो गया चेंज अपना ओके सो इनपुट टैक्स क्रेडिट कर तेरे थ्री पार्टीज नंबर वन मैन्युफैक्चरर सेकंड वन इज रिटेलर एंड थर्ड वन इज अ कस्टमर नाउ इफ फ्रॉम अ रिटेलरपेक्टिव रिटेल का परपेक्टिव अगर हम लोग रिटेलर इज परचेसिंग सर्टन गुड फ्रॉम अ मैन्युफेक्चर रिटेलर इज परचेसिंग सम गुड्स फ्रॉम द मैफेक्चर एंड मैनुफेक्चर इज चार्जिंग वन लैख रुपीज फॉर दोस गुड्स उसके बाद उसपे उसने जीएसटी भी चार्ज किया एटीन थाउजेंड रुपीज का सो कैन ए फॉर द रिटेलर द इनवर्ड सप्लाई ज वन लाख रुपीज जिसपे उसने ऑलरेडी जीएसटी चार्ज किया है एटीन थाउजेंड रुपीज उसने पे कर दिया है राइट रिटेलर क्या कर रहा है वही गुड्स ले रहा है एंड वही गुड्स आगे जाके बेच रहा है टू तो द कस्टमर

Sir, what is 1 lakh rupees? 1 lakh rupees is inward supply. Sir, what is 27,000 outward tax? And what is 18,000? That's this is input tax, or you can say input tax credit. Correct? Okay.

27 minus 18 9000. सो दिस इज द पावर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना टैक्स लाइबिलिटी कम करता है पर कम मतलब क्या एस सच तो लोगों को कुछ फायदा मतलब क्या कि एडिशनल बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है यू हैव ऑलरेडी पेड सर्टेन थिंग सम अमाउंट टू द गवर्नमेंट और वही अमाउंट का मैं क्या ले रहा हूँ टैक्स क्रेडिट ले रहा हूँ सो so, इसके वजह से मैं टैक्स लाइबिलिटी गेट्स डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स विच आई हैडी पेड टू द गवर्नमेंट राइट सो नाइन थाउजेंड रुपीज का मुझे क्या पे, पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा दिस इज योर पॉइंट नंबर वन द पॉइंट नंबर टू कम्स की सर अभी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके लिए तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके लिए तो हम लोग डिस्कस करने वाले कि क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग हमेशा सब लोगों को मिलता है क्या तो इसके लिए वी आर गोइंग टू सी सर्टन कंडीशन एंड द दंडीशन आर गिवन अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन कंडीशन दिए हैं और कंडीशन के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे पर उसके भी पहले मैं तुम लोगों को और एक चीज समझाना चाहता हूं दैट ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एप्लीकेबल ऑन वॉट इज इट एप्लीकेबल ऑन कैपिटल गुड्स मतलब परचेज किया कैपिटल गुड्स मुझे उस पर जीएसटी पे किया विट द आई टी सी सर मैंने अगर इनपुट्स परचेस किए रॉ मटेरियल परचेज किए मुझे उस पर आई मिलेगा क्या सर मैंने कुछ सर्विसेज अवेल की इनवर्ड सप्लाई की उस उसपे मुझे आई मिलेगा क्या ये सब क्वेश्चन तुम लोगों को बीच में आ जाते हैं और इसके वजह से आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल जस्ट अंडरस्टैंड दिस एंटा टॉपिक विद एन एग्जाम्पल मैं बहुत डिटेल में जाके एक एक चीज कवर करूंगा थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है आई एम अ रिटेलर ऑफ बैट बैट्स होता ना, bats, cricket bats. Cricket क्या, क्या है ना बैट क्रिकेट बैट्स क्रिकेट बैट का मैं क्या हूँ एक रिटेलर हूँ ठीक है समझो ओके एक काम करते हैं आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रिकेट बैट्स मैंने क्या किया मैंने सबसे पहले कैपिटल गुड्स परचेस किए मतलब क्या ओके सबसे पहले मैंने रॉ मटेरियल वुड परचेस किया वुड परचेस करने के बाद मुझे वो बैट के शेप में तो लाना पड़ेगा इसकी वजह से मैंने एक मशीनरी परचेस की उसमें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो आई पेड जीएसटी जब रॉ मटेरियल परचेज किया तभी भी मैंने जीएसटी पे किया अभी क्या हुआ मेरे पास रॉ मटेरियल आया मेरे पास मशीन आया तो बैट का स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बट द नेक्स्ट पॉइंट कम्स जो बैट का स्ट्रक्चर रेडी हुआ है ना उसमें तुम लोगों को अब तुम लोग को मालूम होगा कि उसको ना पॉलिशिंग करना पड़ता है ऑयलिंग करना पड़ता है हैमरिंग करना पड़ता है स्ट्रोक आने के लिए तो इसके वजह से मैंने चाचा को अपॉइंट किया और चाचा को बोला एक मस्त एकदम थ्रेडिंग करके दो मस्त पॉलिशिंग करके जो, दो और मस्त स्ट्रोक लगा के देना

जो भी मैंने बैट आगे जाके बेचा मैंने जीएसटी चार्ज किया जीएसटी कलेक्ट किया आई हैव टू मेक अ पेमेंट ऑन दिस नाउ व टू मेक अ पेमेंट ऑफ दिस नाउ मेरा क्वेश्चन है ये जो मैं जीएसटी का चार्ज किया है और जो कलेक्ट किया है डू आई है गवर्नमेंट द आंसर इज नो बिकॉज ये जो मैंने जो चार्ज किया है ना ये किसका चार्ज किया बैट का चार्ज किया जब भी मैं बैट बना रहा था तभी तीन टाइप्स के जीएसटी मैंने गवर्नमेंट को पे किए थे एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ कैपिट्स एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इनपुट्स एंड एट द टाइम ऑफ अवेलिंग सर्विसेज तो वो तीनों जो आई टी सीज होंगे आई विल बी एबल टू रिड्यूस इट फ्रॉम माई आउटवर्ड टैक्स आउटवर्ड टैक्स जो भी था उसमें से मैं क्या करूंगा इनवर्ड सप्लाई के टैक्सेस माइनस करूंगा आई विल गेट द फाइनल फिगर ऑफ टैक्स लाइबिलिटी सो बताने का मुद्दा ये था दैट आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन कैपिटल गुड्स आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन इनपुट्स आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन सर्विसेस एज वेल सो ये तीनों तुम लोगों को आई टीसी मिल जाएंगे देखो मैंने इधर पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट किया तुम लोगों के सामने रॉ मटेरियल इनपुट्स परचेस किया जीएसटी पे किया आई विल गेट द आईटीसी ऑन दैट मशीनरी होगा कैपिटल गुड्स होगा आई विल गेट द आईटीसी ऑन दैट एंड इनपुट सर्विस के केस में भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा ओके okay, सर अभी हम लोग मेन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर आई सर ये एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन कौन से सेक्शन में दिए हैं

मैं जब भी रजिस्ट्रेशन लेता हूं ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टोल्ड द सप्लायर अबाउट माई रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर का मैं मेरे सप्लायर को बताता हूं जब भी वो सप्लायर उसका जीएसटीआर वन भरता है वापस बोल रहा हूं जब भी वो सप्लायर जीएसटीआर वन भरता है जीएसटीआर वन में ही पुट्स माई जीएसटी नंबर ही पुट माई जीएसटी नंबर और जीएसटी नंबर डालने की वजह से मेरे जीएसटीआर टू बी में रिफ्लेक्ट होता है और जीएसटीआर टू बी में रिफ्लेक्ट होता है तो ही मैं क्या कर सकता हूं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं आई होप दैट यू नो अबाउट जीएसटीआर वन एंड जीएसटीआर टू बी का इंटर कनेक्शन वो जब भी जीएसटीआर वन भरेगा मेरे जीएसटीआर टू बी में क्यों आएगा और कैसे आएगा जब भी वो जीएसटीआर वन में मेरा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा मेरे जीएसटीआर टू बी में आने आने के बाद ही मैं क्या कर सकता हूं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं तो इसकी वजह से कहना से मुझे रजिस्ट्रेशन लेना तो मैंडेटरी हो जाएगा दोस्त मस्त एकदम, फर्स्ट पॉइंट चाहिए तो ही तुझे ITC मिल जाएगा अगर मैंने कुछ गुड्स परचेस किए फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्लास है मेरा एक क्लास है, मैंने ए सी परचेस किया और ए मैंने क्लास में लगाया तो कैन आई से दिस इज इन रिलेशन टू माई बिजनेस ओनली yes So, जो भी मैंने क्लास के पर क्लास जब भी ले रहा था क्लास के टाइम पे जब भी मैंने एसी परचेज किया फॉर क्लास पर्पस सो डेफिनेटली इट इज फॉर माई बिजनेस बराबर है सो आई विल गेट द आई टी सी ऑफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं मेरे पास क्लास है मैंने एसी परचेज किया और एसी मैंने घर पर लगाया एसी भी ना के घर पे लगाया गवर्नमेंट बोल रहा है भाई क्या चल क्या रहा है तू परचेज कर रहा है एसी उसके बाद इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर योर बिजनेस पर्पज सर वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर मी टू यूज फॉर माई बिजनेस पर्पज बिकॉज वंस यू टेक द आई टी इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू पे लेस टू द गवर्नमेंट

वजह से दे हैव पुट अ कंडीशन दैट गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड और अवेल्ड शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस मैं एक एक चीज में बहुत बारकाई से एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूं ये दो पॉइंट्स हो गए तीसरा पुंस, तीसरा पॉइंट अगर मुझे आईटीसी चाहिए इफ आई वॉन्ट टू टेक द आई हैव टू कीप हैर्टन डॉक्यूमेंट्स विद मी आई हैव टू की मैंने मैंने जीएसटी का पेमेंट किया है यू कैन सी दैट नंबर वन इन वॉइस ईशूड अंडर सेक्शन थर्टी वन मेरे इन्वॉइस रखना चाहिए डेबिट नोट रखना चाहिए बिल ऑफ एंट्री रखना चाहिए उसके बाद रिवर्स इनवॉइस जो रिवर्स चार्ज के अंदर आए है वो रखना चाहिए उसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फाइनल का कॉन्सेप्ट है एक तो वो तुम लोगों को मतलब वो अभी के लिए तो नॉट रेलेवेंट फॉर इंटर स्टूडेंट बट जो फाइनल में है उनको समझेगा कि आई जो डॉक्यूमेंट इशू करता है वो रखना चाहिए सो ऑल दीज कंडीशन आर इंपॉर्टेंट ऑल दीज इन्वॉइसिस और डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट टू बी केप्ट फॉर फॉर द एविडेंस पर्पज सो दैट आई विल गेट द आई रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आई टी सी मस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज जब तक मुझे गुड्स रिसीव नहीं होते तब तक मुझे उसका आई टी सी नहीं मिलेगा जब तक मुझे गुड्स रिसीव नहीं होते तब तक मुझे उसका आई टी सी नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या सर ये देखो मैंने एक एग्जाम्पल इधर पहले लिखा था इसकी वजह से दिख रहा है अभी देखो वॉट हैपन डिस मोहम्मद यकीब शेख का एक एग्जाम्पल लेता है एक मोहम्मद करके एक बंदा था और वो ना मैंगोज बेचता था मैंगोज आम होता है ना आम मैंगोज बेचता था तो वो मेरे पास पास आया और मैं उसके पास गया, और मैं मैं उसके गया बोला कि आ, मुझे ना मैंगोज मैं, मैंगोज परचेस करने हैं तो उसने बोला हाँ ले लेना प्रॉब्लम नहीं है ले 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 मैंने बोला कि आ, मुझे वन थाउजेंड टन मैंगोज चाहिए तो वो बोला माँ कसम वन था क्या आज तो पैसा ही पैसा होगा तो मैंने बोला कि पक्का दोगे ना रेडी है ना मेरा मेरा कस्टमर उधर वेट कर रहा है आप तो दे पाओगे ना उन्होंने बोला सर रेडी है माल एकदम रेडी है एकदम फ्रेश फ्रेश एकदम गर्मा, गर्मा 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 हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा तो उसने बोला कि दो ट्रक्स लेके आना ना मैं नहीं वो दो, दो ट्रक तो नहीं हो सकता मेरे पास एक ही ट्रक है उसने बोला सर दो ट्रक तो लगेगा अगर दो ट्रक नहीं होगा तो कैसे ले जाओगे तो मैंने बोला सर कुछ भी करके जुगाड़ करके डाल दो एक ही ट्रक में तो उसने बोला कि देखो ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा मैं बोला हाँ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी टेंशन मत लेना तो उसने क्या किया ये पूरा आम के ऊपर सब लिया और सब खब कुछ इसमें डाल दिया सो वन थाउजेंड के जी वन थाउजेंड जो टन uh, थे वो क्या हो गए वो इसमें लोड कर दिए अभी तुम लोग इसको देख के बताओ कि ये किधर पहुंचेगा क्या मेरे फैक्ट्री तक आएगा क्या मेरे फैक्ट्री तक नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा बिकॉज यू कैन सी दैट वो इतना ओवरलोडेड ट्रक है सो so, समझो कि जाते जाते इधर थर्टी के है पीछे इधर थर्टी के जीज है और इधर सेवेंटी के जीज है समझते सेवेंटी के जी एंड थर्टी के जी प्लीज़ समझना थर्टी के जी आते आते गिर गया आते आते थर्टी के जी गिर गया एंड सेवेंटी के जीज मेरे पास पहुंच गए बट मैंने जो पेमेंट किया था ना मैंने मैंने जो पेमेंट किया था ना ये मैंने पेमेंट पूरा हंड्रेड परसेंट का किया था मैंने जो पेमेंट किया था वो अलोंग विद जीएसटी हंड्रेड के के लिए किया था पर मैं मुझे कितने रिसीव हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ रिसीव हुए सेवेंटी केजीज थर्टी केजीज रिसीव नहीं हुए इसके वजह से गवर्नमेंट सेज दैट वी विल बी एबल टू गिव यू द प्रपोर्शन आई टीसी केजीज एंड यू विल नॉट गेट द आईटीसी ऑफ हंड्रेड केजीज पर मैं बोल रहा हूं कि सर प्लीज मुझे दे दो हंड्रेड केजीज का आईटीसी बिकॉज मैंने हंड्रेड केजीज पे जीएसटी पे किया हंड्रेड के जी पे वैल्यू भी पे किया है जीएसटी भी पे किया है गवर्नमेंट से डिड यू रिसीव इट आई सेड नो देन इन दैट केस यू विल नॉट गेट द सो मिल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आएगा दोस्त. क्या आएगा? कि इतने इतने मिले तो तुझे प्रपोर्शनेटली आइडेंटिफाई करना है कि कितना, कितना तुझे एलिजिबल है वो. अभी मैं तुम लोगों को एक मस्त देता हूं जो रेगुलर स्टूडेंट्स उन्होंने तो मालूम होगा ये अभी ना हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे रणवीर और दीपिका का ठीक है रणवीर और दीपिका का हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे पूरा फोकस करना में क्या बोल रहा हूं अभी ना लॉकडाउन के टाइम पे ना अभी एग्जाम्पल बिग फैन ऑफ एवरीबडी ओके सो एक एग्जाम्पल दीपिका पदूकोण का कुछ काम था नहीं क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था दीपिका के पास कुछ काम था नहीं तो उन्होंने क्या किया दीपिका ने सोचा कि काम करते हैं हम लोग ना ड्रेस डिज़ाइन करने का काम चालू करते हैं ठीक <laughs> है ड्रेस डिजाइन करने का काम चालू करते हैं तो दीपिका सेट की हाँ ठीक है यार ये मतलब ऐसा लग तो रहा है कि ये चलेगा तो इसलिए उसने सोच लिया और करी स्टार्ट ही कर लिया अभी क्या हुआ उसने इसको फोन किया अपना मनीष uh, मल्होत्रा को फोन किया और मनीष मल्होत्रा को फोन करने के बाद उसने बोला कि देखो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ स्टार्टअप मेरे पास एक स्टार्टअप का आइडिया है और वो कर लेते हैं बिकॉज कैसे अपने पास दोनों के पास कुछ टाइम है नहीं बाहर कोई नहीं आ रहा है बिकॉज कोविड है लॉकडाउन है बाहर तो इसके वजह से लेट्स लेट्स डू वन थिंग कि आपको स्टिचिंग अच्छे से आता है ना तो मनीष महोत्रा बोला कि हाँ मुझे स्टिचिंग अच्छे से आता है तो दीपिका ने बोला कि मुझे डिजाइनिंग अच्छे से आता है सो दीपिका डिजाइन करेगी और ये स्टिचिंग करेगा सो बेसिकली ये कौन है मनीष मल्होत्रा इज अ क्या ऐसा हमारे पास बहुत सारा हमारे पास बहुत सारा डिजाइन अवेलेबल है तो इफ यू वॉन्ट टू स्टिच एनी ड्रेस प्लीज लेट वी नो आई विल सेंड यू द डिजाइन एन एवरी थिंग आलिया सेट की तो क्या करती थी ना दीपिका बहुत डरती थी ये सब डिजाइन डिस्कस करने के लिए राइट वो ड्रेस का डिजाइन हो या कुछ भी ना दीपिका डरती थी क्यों डरती थी मालूम है क्या उसके घर पे रहता था रणवीर सिंह उस पर घरते उसके घर पे रहता था रणवीर सिंह तो जुल से के क्यों रणवीर सिंह से क्यों डरेंगे बिकॉज रणवीर सिंह को अपने क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़के का ड्रेस हो या लड़की का ड्रेस हो ये पहन के भैया चले जाते हैं एयरपोर्ट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग आई एम ए बिग फैन ऑफ रणवीर सिंह बट स्टिल आई वॉन्ट टू टेक दिस एग्जाम्पल बिकॉज ये एग्जाम्पल तुम लोगों को समझेगा तो इसकी वजह से ना वो बहुत डरती है कि आ, बहुत डरती है कि क्या करे यार वो रणवीर रणवीर भी घर पे रहता है और आ, अगर मैंने घर पे डिजाइनिंग का बात किया ना देन इन दैट केस वो रणवीर ना कैसे पहन के चला जाता है कुछ भी तो इसके वजह से इसके वजह से आ, वो क्या करते हैं कि वो वॉशरूम में जाके एकदम कोने में जाके ना फोन पे बात करती है सबसे एक बार होता क्या है एक बार रणवीर सिंह बाहर से वो ग्लास लगा के सुनता है पूरी बात और रणवीर को शक जाता है कि ये बेबी कुछ तो बेबी कुछ तो किसी से बात कर रही है उसको शक जाता है उसके बाद ही टू दर कॉन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशन और उसके बाद वो जैसे बाहर आती है ना ऐसे खड़ा रहता है मैंने आपको बोला था कि मेरे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए आपने, आपने तो बहुत कुछ छुपाया मैं घर छोड़ के जा रहा हूं ऐसा करके वो भाई चला जाता है ऐसे बोलकर वो भाई चला जाता है घर से और उसके बाद उसका एक ही डिमांड रहता है एक ही डिमांड रहता है अभी दीपिका आस्क दीपिका आस्क रणवीर की तुझे क्या चाहिए तुझे घर पे रहने के लिए क्या चाहिए तो रणवीर की जो ड्रेस के बारे में बात चालू था वो ड्रेस मुझे चाहिए रणवीर का बहुत सिंपल डिमांड रहता है कि मुझे जो ड्रेस के बारे में बात चालू था वो ड्रेस चाहिए दीपिका सेट की नहीं मिल सकता रणवीर ने बोला देखो प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा दीपिका ने बोला पैसा इसके वजह से रणवीर सिंह तो घर छोड़ के निकल गया निकल जाने के बाद वो सीधा गया पंजाब किधर गया पंजाब गया पंजाब पंजाब जाने के बाद दीपिका को बाद में रियलाइज होना चालू हुआ नहीं यार ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया थोड़ा गड़बड़ हो गया आई गिव प्रायोरिटी टू मनी एक्चुअली अपना रणवीर ही अच्छा था करेक्ट वो कमा तो रहा था उधर से तो पैसा आ ही रहा था तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम था नहीं तो इसके वजह से ना उसने क्या किया फोन किया रणवीर को और रणवीर को बोला दैट प्लीज कम बैक आई विल गिव दैट ड्रेस टू यू तो उसके बाद वो बोला कि नहीं एक बार अपॉर्चुनिटी तो गया अभी मैं बिल्कुल भी ड्रेस आ, बिल्कुल भी ड्रेस वो नहीं लेने वाला होकर करके तो उसके बाद ना उसको थोड़ा सा पटाने के लिए इसको उसको थोड़ा सा आ, उसका माइंड चेंज करने के लिए वो क्या करता है मालूम है दीपिका पदुकोण पूरा जो ड्रेस का डिज़ाइन था ना डिज़ाइन के बारे में ऑर्डर दे देता है पूरा समझो क्या बोल रहा हूँ ये ऑर्डर दे देता है ऑर्डर दे देती है ऑर्डर देने के बाद ऑफकोर्स इन्वॉइस तो दीपिका को ही आएगा पैसा देने के लिए यस बट दीपिका क्या करती है मालूम है ओके okay, ये इनवॉइस आया इनवॉइस पे दस लाख रुपए चार्ज किया और एक लाख का जीएसटी आया सो so, कहने से जीएसटी मतलब दीपिका का इनवर्ट सप्लाई हो गया यस yes, तो दीपिका विल बी एबल टू टेक द आईटीसी एवरीबॉडी यस अभी प्रॉब्लम क्या हुआ मान लो मैं दीपिका ने मनीष मनुतरा को ये चीज बोला कि मनीष ए मनीष सुन बात डू नॉट गिव दिस गुड्स टू मी डू नॉट गिव दिस गुड्स टू मी प्लीज गिव दिस गुड्स टू रणवीर सिंह तो इसने बोला कि तेरे घर पे ही रहता है ना रणवीर सिंह तो उसने बोला कि नहीं नहीं वो तो भाग गया उसको तो ड्रेस चाहिए ना ड्रेस के पीछे वो भाग गया वजह से दीपिका ने मनीष मल्होत्रा को बोला कि भाई मनीष एक काम कर मेरा जो रणवीर है ना वो रणवीर चला गया है पंजाब मुझे इन तो अभी दे दे बट डिलीवर दिस गुड्स डायरेक्टली टू रणवीर सिंह डिलीवर दिस गुड्स डायरेक्टली टू रणवीर सिंह तो क्या करता है रणवीर सिंह को पंजाब में गुड्स भेज देता है और रणवीर सिंह फटक से वो ड्रेस पहन लेता है फटक से रणवीर सिंह क्या करता है वो ड्रेस पहन लेता है रणवीर सिंह पहनने के बाद एक मस्त सेल्फी भेजता है सेल्फी भेजने के बाद ही सेज़ दैट यस दीपू आई एम हैप्पी नाउ आई एम कमिंग बैक फॉर यू ऐसा करके उसको मैसेज भेज के वो आ जाता है अभी पूरे के पूरे पॉइंट में हुआ क्या ये पूरे के पूरे पॉइंट में हुआ क्या अब तक हम लोग ने देखा था कि दीपिका पदुकोण को अगर चाहिए अगर उसको ये लाख का आईटीसी चाहिए तो उसको बट इधर शी इज नॉट रिसीविंग द हियर शी इज नॉट रिसीविंग द गुड्स प्लीज ट्राई टू हियर दिस एंटायर मॉडल इज दिस इज बिल्ड टू वन पर्सन शिफ्ट टू अनदर पर्सन एंड दैट्स व्हाई सच मॉडल इज नोन एज बिल टू शिप्टॉडल बिल टू शिप टू मॉडल बिल टू शिप टू मॉडल में भले बिल्ड दीपिका को हुआ हो पर शिपक हुआ है, शिप है रणवीर सिंह को नो दिन पांच मिनट पहले आपने बोला था कि जिसको गुड्स रिसीव होते हैं उनको ही क्या मिलता है उनको ही मिलता है आईटीसी so, दीपिका को गुड्स मिले क्या नहीं मिले बट गवर्नमेंट से तो भी दीपिका को इसका आईटीसी मिल जाएगा बिकॉज द गुड्सर डिलीवर्ड टू पंजाब ऑन द डिरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल सप्लायर ओरिजिनल सप्लायर के डायरेक्शन पे गुड्स डिलीवर किधर हुए थर्ड पार्टी के हुए ना इसके वजह से अभी दीपिका के पास ऑप्शन था कि मुझे कुछ डिलीवर कर पर डोंट यू थिंक कमर्शियली इट इज वेरी वायबल कमर्शियली वायबल है समझो इधर दो महाराष्ट्र में लोग है और अगर दीपिका को डायरेक्टली पंजाब में भेजना है तो so क्यों पहले महाराष्ट्र टू तो महाराष्ट्र इधर ट्रांसफर होगा बाद में ये आगे ट्रांसफर करेगा सो कमर्शियली इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट यही डायरेक्टली दीपिका बोल रही है जॉब वर्कर को कि भाई जॉब वर्कर डायरेक्टली तू कस्टमर को जाके गुड्स दे दे इसकी वजह से होगा क्या कन्वीनियंस बढ़ जाएगा राइट सो इन दिस केस सिंस दिस इज कमर्शियली वेरी मच वायबल और इट इज कमर्शियली एक्सेप्टेबल इसके वजह से गवर्नमेंट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल टू शिफ्ट टू मॉडल और बिल टू शिफ्ट टू मॉडल में उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि चलेगा नो no प्रॉब्लम तुम लोगों को इफ दीपिका हैज नॉट रिसीव द गुड्स दैट इज स्टिल फाइन इफ शी हैज डिरेक्टेड द जॉब वर्कर टू डिलीवर द गुड्स टू समी एल्स दैट इज सफिशेंट टू गेट द आई सो कैन आई से दिस इज एन एक्सेप्शन टू द थिंग थिंग विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू ये तो एक्सेप्शन था एक्सेप्शन किसका एक्सेप्शन देखना इधर बोला था कि गुड्स रिसीव होना चाहिए इधर तो उसको गुड्स रिसीव ही नहीं हो रहा है पर थर्ड पार्टी इज रिसीविंग द गुड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ दीपिका एंड दैट इज वाई दिस बिल टू शिफ्ट टू मॉडल इज एक्सेप्टेबल दीपिका हैज नॉट रिसीव द गुड्स स्टिल शी विल बी एबल टू गेट द आई टी सी ऑफ दैट इज So, इसीलिए ना तुम लोग जब भी तुम लोगों को अमेजोन का बिल आएगा ना अमेजोन के बिल में हम लोग हमें हमेशा तुम लोग देखना बिल टू और शिप टू बिलिंग एड्रेस शिपिंग एड्रेस ये अलग अलग एड्रेसेस रहते हैं क्यों? बिकॉज बिल टू शिप टू मॉडल की वजह से है कि नहीं अच्छा लगा कि नहीं तो एक बार कंजूसी क्यों करते तुम लोग लाइक मारने के लिए अरे ठोको लाइक ठीक <laughs> है तो ये टू शिफ्ट मॉडल एकदम मस्त से क्लियर हो चुका है ये पॉइंट नंबर टू आ गया और तुम लोगों को बताओ क्या इतना सब तुम लोग अपना टाइम पास करने के बाद मतलब इतना सब स्टोरी बताने के बाद इतना सब टाइम पास करने के बाद तुम लोगों को जब क्वेश्चन आया ना क्वेश्चन आएगा ना तुम लोग ऐसा आंसर करोगे मैं बता रहा हूँ ये मेरे मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आज का लेक्चर तुम लोग ने अच्छे से अटेंड किया तो कल का लेक्चर विल बी अ केक वॉक फॉर यू टैक्स इज लेवियबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू मतलब क्या देखो कोहली और धोनी का याद करो. कोली ने जो पैसा दिया था धोनी को, थाउंट टू धोनी सो धोनी मस्ट the गवर्नमेंट मैं बोल रहा हूं कि धोनी ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना चाहिए अगर धोनी ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं किया जो विराट से कलेक्ट हुआ था देखो ना इधर इधर देखना रिटेलर से जो पैसा चार्ज किया एटीन थाउजेंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ धोनी टू गो टू द गवर्नमेंट एंड पे दिस जीएसटी टू द गवर्नमेंट जब तक इसका जीएसटी का जब तक जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं होता तब तक इस पर रिटेलर आईटीसी नहीं ले सकता इस पर सॉरी आईटीसी टी इस पर उन्होंने लास्ट टाइम एक अमेंडमेंट लाया था रूल नंबर थर्टी सेवन ए करके तो रूल नंबर थर्टी सेवन ए हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लेना सो बेसिकली प्राइमरी रूल क्या है प्राइमरी रूल ये है कि मैन्युफैक्चरर ने जो भी जीएसटी कलेक्ट किया है वो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को जाके डिपॉजिट करना चाहिए तो ही रिटेलर को उसका आई मिल जाएगा ओके दिस इज योर पॉइंट नंबर वन बट सब्जेक्ट टू रूल थर्टी ए हम लोग देख लेंगे क्या है रिटर्न फाइलिंग अगर कोहली को कोहली को आईटीसी चाहिए तो कोहली ने जीएसटीआर एस थ्री बी फाइल करना चाहिए दोस्त क्या करना चाहिए जीएसटीआर आर थ्री बी फाइल करना चाहिए तो ही उसको आईटीसी मिलेगा अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा ओके सर नो प्रॉब्लम रिटर्न फाइलिंग इज डन सर वॉट इफ द गुड्स आर रिसीव इन लॉट्स सर अगर लॉट्स में मिले तो क्या होता है देखो आई विल विलद आई विल गिव यू अनदर एक्साम्पल ऑफ गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स मैं एक एक के लिए एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल तुम लोगों के लिए ड्राफ्ट किया है तो प्लीज पूरा तो एग्जाम्पल को देखना देखो मैं तुम लोगों को भी मालूम है कि लास्ट लॉट पे आईटीसी मिलता है तुम लोगों को भी मालूम है कि लास्ट लॉट पे आई मिलता है पर थोड़ा सा एक अच्छे वे में एक एग्जाम्पल दिमाग में रख के डिस्कस करते हैं भले मिनट ज्यादा लगेगा पर वो दिमाग में ना रिटेल होगा कॉन्सेप्ट पूरा देखो देर इज वन मैन्युफैक्चर एंड देर इज वन रिटेलर राइट रिटेलर ने क्या किया रिटेलर ने ऑर्डर प्लेस किया फॉर वन लैख यूनिट्स फॉर वन यूनिट्स रिटेलर प्लेस्ड एन ऑर्डर ठीक है वन करोड़ रुपीज चार्ज हुआ और जिसपे जीएसटी लगा था टेन लाख रुपीज का ठीक है तो रिटेलर सेट की एक करोड़ का पेमेंट करना है दस लाख का जीएसटी पे करना है कर देंगे क्या प्रॉब्लम सेट नो प्रॉब्लम आई विल मेक अ पेमेंट अप फ्रंट टू यू राइट नाउ बट आई नीड द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट मुझे तो गुड्स इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए दोस्त तो मैन्युफैक्चरर ने बोला नो प्रॉब्लम इंस्टॉलमेंट्स में ले ले सो ही वांट्स द गुड्स इन फाइव इंस्टॉलमेंट्स मतलब एक एक वन लाख यूनिट्स थे तो वन लाख यूनिट्स उसको पांच इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए मतलब वन फाइव वन सिक्स वन सेवन वन एट वन नाइन ऐसे ट्वेंटी 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 ऐसे गुड्स उसको इंस्टॉलमेंट्स में मिले तो आईटीसी टी कभी मिलेगा मालूम है आईटीसी मई सी में नहीं मिलेगा जून में नहीं मिलेगा जुलाई में नहीं मिलेगा ऑगस्ट में नहीं मिलेगा सीधा सितंबर में मिलेगा जब भी उसको लास्ट लॉट रिसीव होगा वेन ही विल रिसीव द लास्ट लॉट दैट इज इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर ही विल बी एबल टू टेक द आई ऑफ दिस टेन लाख रुपीज क्यों ऐसा बिकॉज उन्होंने बोला है वन द गुड्स आर रिस इन लॉड्स इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन ऑन रिसीट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट आई टी सी बी एबल यू विल बी एबल टू टेक सो आई टी सी ऑफ टेन लैक रुपीज कैन बी क्लेम्ड इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड नॉट बिफोर दैट सर पर मैंने पेमेंट तो कब का कर दिया था डज नॉट मैटर जब भी तुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तभी तुझे वो मिल जाएगा ओके सर आई टी सी मिल जाएगा अभी हम लोग बहुत ही बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ 180 एटी डेज़ वन डेज़ हम लोग अभी बात करने वाले हैं तो पूरा का पूरा फोकस तुम लोगों का इधर चाहिए अदरवाइज़ तुम लोगों को ये पॉइंट नहीं समझेगा ओके okay. 180 डेज़ के पहले जो भी हम लोग ने बात किया था बात किया है आर यू क्लियर विद दिस पॉट मैं जोड़ा पानी पी लेता हूँ बट एक बार मुझे बताओगे सब लोग जितने लोग हैं वन सेवेंटी फाइव वन एट्टी जितने लोग हैं मुझे बता सकते हो कि आर यू एप्सोल्यूटली क्लियर टिल द पॉइंट विच वी डिस्कस्ड amazing 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 ओके नाइस सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं 180 डेज का कांसेप्ट बहुत बढ़िया कांसेप्ट है और आ, मतलब ये लोगों को नहीं समझता है तो मैं तुम लोगों को इजी वे में समझाना चाहता हूँ नॉट विद मतलब नॉट विद नॉट विद द कंटेंट बट विद एन एग्जांपल अगर तुम लोगों को एग्जांपल अगर समझाना तो इजीली तुम लोगों को पूरा-पूरा समझ में आ जाएगा देखो दो पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं नंबर वन दैट इज शिवम हु इज अ मैनुफैक्चर एंड तन्मय हु इज अ रिटेलर ठीक है नॉर्मल दो अलग अलग पर्सन है हुआ क्या कि तन्मय ऑर्डर्ड सर्टन गुड्स फ्रॉम शिवम और शिवम ने वो गुड्स दे दिए और उसके रिलेटेड इनवॉयस भी दे दिया ऑन वन इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी डेट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन प्लीज रखना ओके नाउ इन है वन इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी का वैल्यू इज टेन लैक्स एंड जीएसटी इज वन लैख एकदम मस्त है एकदम सिंपल है देखो अभी तन्मय ने क्या किया तन्मय ने अब तक पेमेंट नहीं किया है तन्मय ने अब तक पेमेंट नहीं किया है जीएसटी का अम्मा वैल्यू का टोटल तो तो 11 लाख ,00 का पेमेंट करना है तन्मय को तन्मय ने उसका आएट, आ, 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 पेमेंट अभी तक शिवम को नहीं किया है इनवॉइस ऑलरेडी इट इज बीइंग रेज्ड ऑन 11 2020 नाउ द क्वेश्चन कम्स सर विल तन्मय बी वि एबल टू टेक द आईटीसी विल तनमय बी एबल टू टेक द आई टी सी इवन दो तनमय हैज नॉट मेड अ पेमेंट ऑफ इलेवन लाख रुपीज टू शिवम तो एस सच आंसर शुड बी नो एस सच आंसर शुड बी नो कि भाई तनमय को बोल रहा था भाई तन्मय तू पहले पेमेंट कर उसके बाद ही तू क्या कर सकता है आईटीसी ले सकता है अभी हुआ क्या मालूम है इधर आया टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर इन बिटवीन इधर ना टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर आया इन बिटवीन फॉर एग्जांपल ये सर्विस है बराबर ये सर्विस है शिवम ने कुछ सर्विस प्रोवाइड किया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर और तन्मय ने अब तक उसका पेमेंट नहीं किया है अगर तन्मय ने उसका पेमेंट नहीं किया है यू थिंक फ्रॉम शिवम परस्पेक्टिव यू थिंक फ्रॉम शिवम शिवम परसपेक्टिव नवंबर मंथ पूरा कंप्लीट हुआ समझ शिवम के लिए इनवॉइस भी सर्विस देने के विद इन थर्टी डेज आ गया था सो तो कैन आई से टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोग ने एक मेमोरी टेक्निक देखा था आई प्रपोज्ड I proposed Raju Pandya when Pandya was 61 uh, uh, in Pakistan England match. याद है तुम लोगों को, right? तो उधर हम लोग ने I proposed का point इधर आएगा. Everybody agrees. I proposed मतलब date of issue of invoice and date of payment whichever is earlier. Whichever is earlier. Point is कि payment तो अब तक मिला नहीं है Shivam को. अगर Shivam को वो point नहीं मिला है, तो payment नहीं मिला है, तो can I say that?

आईटीसी कर ही रहे दूसरा रिटर्न्स का चैप्टर और तीसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर एंड दैट्स पीपल आस्क मी पीपल आस्क मी कि सर आपने आ, रिटर्न्स रिटर्न्स तो पहले कैसे सिखाया हमारे प्रोफेसर ने तो रिटर्न्स बाद में सिखाया था मेरे हिसाब से रिटर्न सबसे पहले सिखाना चाहिए बिकॉज रिटर्न का ही इंटरकनेक्शन न है इसमें जब तक रिटर्न नहीं समझेगा तब तक तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट डेप्थ में डेप्थ में नहीं समझेंगे मेरे हिसाब से ठीक है so, सो इसीलिए मैंने पहले तुम लोगों को टाइम ऑफ सप्लाई समझाया रिटर्न समझाया एंड देन वी केम टू आईटीसी ठीक है ओके सो तन्मय ने आईटीसी ले लिया गवर्नमेंट अभी पूरा समझो अच्छे से गवर्नमेंट ने बोला था तू जब तक पेमेंट नहीं करेगा ना तब तक तुझे आईटीसी तब तक तुझे आईटीसी नहीं ले सकता पर तन्मय ने आईटीसी ले लिया तो भी गवर्नमेंट बोला ठीक है चलो ठीक है चलो गवर्नमेंट ने ऐसे मेरा कॉलर पकड़ा मैं तन्मय हूं मेरा ऐसे कॉलर पकड़ा और गवर्नमेंट ने मुझे बोला अमित सुन मेरी बात सुन मेरी बात यस सर वी आर अलाउिंग यू द आई टी सी ऑफ वन लाख रुपीज राइट नाउ इवन दो यू हैव नॉट मेड द पेमेंट वापिस 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 गवर्नमेंट ने ऐसे मेरा कॉलर पकड़ा और कॉलर पकड़ने के बाद मुझे बोला कि अमित अच्छे से बात सुन और तन्मय अच्छे से बात सुन दैट वी आर अलाउविंग यू द आई टीसी ऑफ वन लाख रुपीज इवन दो यू हैव नॉट मेड अ पेमेंट यस सर

अगर तूने 180 डेज के अंदर ये 11 लाख का पेमेंट नहीं किया तो तूने ये 1 लाख रुपीस आईटीसी लेना ब्रीच कर दिया कंडीशन उसका 1 लाख रुपीस आईटीसी का कंडीशन तूने ब्रीच किया है सो तो जैसे तेरा 180 डेज कंप्लीट हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस जो तूने आईटीसी लिया था वो क्या करना पड़ेगा दोस्त रिवर्स करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा So, मैं जो आई अभी ले रहा हूं दैट इज विथ कंडीशन दैट 11 लाख रुपीज का पेमेंट मुझे शिवम को करना है अगर शिवम को विद इन वन डेज पेमेंट किया तो ठीक है जो कंडीशन जो था वो मैंने फुलफिल कर दिया बट अगर मैंने शिवम को विद इन वन एटी डेज पेमेंट नहीं किया फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस प्लीज समझना फ्रॉम द डेट ऑफ केस जैसे डेज कंप्लीट हो जाएगा उसके वही मंथ में जो रिटर्न भरूंगा लेटेस्ट वो रिटर्न में मुझे क्या करना पड़ेगा वन लाख रुपीज का रिवर्सल करना पड़ेगा सर वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सल वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सल रिवर्सल इज एडिंग इट टू आउट टू अर टैक्स लाइबिलिटी रिवर्सल मीन एडिंग इट टू आउट टूअर टैक्स लाइबिलिटी

दिसंबर मंथ का बात कर रहा हूं मैं मतलब वन इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी को इनवॉयस मतलब नवंबर मंथ का सिचुएशन है सो नवंबर का रिटर्न कभी भरूंगा तनमय रिटर्न कभी भरेगा नवंबर का रिटर्न कभी भरेगा December में बिकॉज शिवम भरेगाम जी तो टी में भरेगा तो तन्मय के जीएसटी में डिसंबर में आएगा तो जैसे डिसंबर में आया ऑटोमेटिकली उसने अवेल करके यूटिलाइज कर दिया पूरा का पूरा एक लाख रुपया ये इट परमिसेबल यस इट वॉज परमिसेबल फॉर वन एटी डेज का कंडीशन के हिसाब से राइट right? तो उसने ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी को यूटिलाइज भी कर दिया एक लाख रुपया

ऑन उेंड ट्वेंटी मतलब उसने क्या क्या पेमेंट तो किया नहीं था एक्चुअली उसने कभी करना चाहिए था रिवर्सल रिवर्सल तो अभी अप्रैल के ही मंथ मतलब जब नेक्स्ट रिटर्न भरेगा तभी उसने रिवर्सल करना चाहिए था पर उसने रिवर्सल नहीं किया कभी रिवर्सल किया सेवन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को रिवर्सल किया है so, तन्मय ने गलत यूज किया है आई टी सी ऑफ वन लाख रुपीज फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी टिल द टाइम ऑफ रिवर्सल दैट इज सेवन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इज़ एवरीबडी अग्रिंग टू दिस पॉइंट कि ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी से लेकर सेवन सेवन ट्वेंटी वन तक तन मई यूज द आई टी सी रोंगली यूटिलाइज द आई टी सी रॉन्गली यूटिलाइज द आई टी सी रोंगली इसके वजह से गवर्नमेंट सेड दैट तुझे सिर्फ रिवर्सल नहीं करना है तुझे सिर्फ रिवर्सल नहीं करना है रिवर्सल के साथ साथ तुझे इस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा विश्व तेरा सब डाउट्स बाद में लूंगा स्पैम मत कर अभी 2012-2020 के बाद 77-2021 तक तुझे आईटीसी तूने गलत लिया था इसके वजह से तूने इट रिवर्सल तो करना ही है अलोंग विद यू आर ऑल्सो गोइंग टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी से लेके सेवन सेन तक जो मैंने गलत आ, गलत आ, यूज किया उसके लिए मैं इंटरेस्ट भी पे करूंगा एंड क्वेश्चन इज सर इंटरेस्ट कितना परसेंट लगेगा एन एम एटीन परसेंट पर एन एम पे इंटरेस्ट लगता है इन दिस केस नाउ इंटर के केस में अभी तक मैंने ऐसा कौन सा क्वेश्चन देखा नहीं है जिसमें इंटरेस्ट कंप्यूटेशन आता है बट we have learned interest computation as well kab se interest compute hoga interest compute hoga from the date on which i have wrongly utilized the itc availed nahi utilized the itc wrongly utilized the itc till the time i have reversed the itc understanding so tanmay will have to make a payment of interest at the rate of 18% per annum from 2012 20 till 7721 now tanmay made a payment of 11 lakhs ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी वन मतलब उसने थर्टी फोर ट्वेंटी वन के पहले जो करना चाहिए था जो करना चाहिए था वो उसने कभी किया पेमेंट ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन कम्स सर वेन आई विल मेकअ पेमेंट ऑफ दिसवन लाख रुपीज एंड ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी वन सर मैंने तो आई टी सी रिवर्स किया अब ट्वेल्थ ट्वेल्व ट्वेंटी वन को ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी वन को सर मेरा क्वेश्चन है ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी वन को मै ना मेड अ पेमेंट आई ऑल्सो मेड अ पेमेंट ऑफ वन लैक रुपीज ऑफ आई जीएसटी मैंने जीएसटी का पेमेंट किया अभी तो मुझे जीएसटी का आईटीसी मिलना चाहिए ना तब तो मैं बोल रहा कि ये तो मेरा हक का आईटीसी है भाई एक लाख रुपया जो ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी को पे किया चलो मैं मान लिया कि मैंने इधर आईटीसी लिया था वाई डिड नॉट मेक अ पेमेंट विद इन एटी डेज वो मैंने आईटीसी गलत लिया इसके लिए यू आस मी टू रिवर्स इट आई विल रिवर्स इट नो प्रॉब्लम एंड आई रिवर्स इट नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी मैं एक्चुअली पेमेंट करूंगा ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी उसमें भी तो जीएसटी होगा तो वो जो जीएसटी होगा डोंट यू थिंक वो तो हक का जीएसटी है मेरा तो यस गवर्नमेंट सेट दैट तभी तुझे क्या मिल जाएगा जीएसटी का आईटीसी मिल जाएगा सो so इसमें प्रॉब्लम नहीं है मतलब यू विल बी एबल टू री अवेल द आई टी सी विच यू हैड हैलरेडी क्लेम्ड विच यू हैव ऑलरेडी पेड यू कैन क्लेम द आई ये जो होगा ना ये दिस विल बी विदाउट एनी कंडीशन दिस विल बी विदाउट एनी कंडीशन Of course, तुझे इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा इंटरेस्ट तो गलत किया इसके वजह से लगाया था। था। so, ये बहुत मस्त uh, तो ये तेरा वन एटी डेज का पॉइंट है Now, 180 days के point में तुम लोगों को दो चीज याद रखना है डेट ऑफ इन्वॉइस ध्यान रखना फ्रॉम द डेट ऑन विच आई है आई टी सी स्टूडेंट्स को क्या होता है मालूम है स्टूडेंट्स बोल रहे सर सर सी जो वन इलेवन ट्वेंटी है इंटरेस्ट लगना चाहिए अरे क्यों लगेगा वन इलेवन ट्वेंटी से इंटरेस्ट भाई ट्वेंटी को मैंने आई टी सी अवेल किया था क्या वन इलेवन ट्वेंटी को मैंने आई टी सी अवेल किया था क्या नहीं लॉजिकली वन इलेवन ट्वेंटी से कुछ नहीं होना चाहिए ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी से गवर्नमेंट -20 को मैंने यूटिलाइज करके पेमेंट कम किया है वो दिन से मैंने गलत यूज करना चालू किया वो आई टी सी इसके वजह से इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी टिल द टाइम यू रिवर्स दैट आई टी सी

उसके बाद एक्सेप्शन है दो तीन एक्सेप्शन है ये दो, दो पहले पढ़ता हूं मैं तुम तो लोगों के लिए सबसे पहला आरसीएम सी सप्लाईज सर आरसीएम सी सप्लाईज में आरसीएम सी सप्लाईज में कैसे होता है देखो आरसीएम सी सप्लाईज का तो बात ही नहीं है इधर क्योंकि आरसीएम सी सप्लाईज तो कभी रेसिपेंट पेमेंट ही नहीं करेगा रेसिपेंट कभी पेमेंट नहीं करेगा इफ रेसिपेंट डज नॉट मेकअप पेमेंट टू द सप्लायर तो इधर वन डेज का तो बात ही नहीं है तो आरसीएम सप्लाइज के लिए 180 डेज का पॉइंट विल नॉट बी एप्लीकेबल सेकंड इज डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन का मतलब क्या कि जो सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन जाता है अगर कंसीडरेशन ही फ्लो नहीं होता है उस पे तो गवर्नमेंट किस पे मतलब क्या 180 डेज का कांसेप्ट तुम लोग अप्लाई कर रहे हो इसमें ठीक है ना ओके ये तेरा डंग उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते ये तुम लोगों को आ, वाला पॉइंट नहीं है जो आ, फाइनल का है ये तेरा कंप्लीट हुआ इधर उसके बाद तुम लोगों के साथ एक डिस्कस रीअवेलमेंट ऑफ आई टी एक मिनट इधर देखना वेर द सप्लायर मेक्स पेमेंट ऑफ द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अफोर सेड सप्लाईज द सेड रजिस्टर्ड पर्सन మే రీఅవైల్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ రివర్స్డ్ బై హిమ్ క్యా బోలా మనే వాపిస్

तुम लोगों को और एक चीज बताऊं, हम लोग ने ये भी भी देखा, आगे जाके देखेंगे, इधर ही होगा, ही होगा होगा, एक्चुअली, नीचे एक मिनट सी सब लोग इधर फोकस करना टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी इज सेक्शन सिक्सटीन फोर हम लोग ने रेक्टिफिकेशन के लिए जो टाइम लिमिट देखा था वो सेम टाइम लिमिट इधर भी एप्लीकेबल हो जाएगा नाउ ओके पूछ रहा है सर 18 परसेंट कितने वैल्यू पे लगेगा कितना वैल्यू तूने गवर्नमेंट को कम पे किया उतने पे लगेगा लॉजिकली सोच अभी तुम लोग सोचते नहीं हो सोचो कि किस पे लगेगा गवर्नमेंट को मुझे पे करना है मैंने गवर्नमेंट को कितना पैसा कम पे किया है मैंने गवर्नमेंट को कितना रुपीज कम पे किया है तुम लोग सोच के मेरे को बताओ मैंने गवर्नमेंट को कितना पैसा कम पे किया एक लाख रुपए कम पे किया वाई विल वाई विल आई पे इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑन टेन लाख रुपीज टेन लैक्स पे मैं इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट करूंगा जो जीएसटी मैंने कम पे किया है उस पर इंटरेस्ट चाहिए ना भाई तुम्हें तो दस लाख पे क्यों करूंगा इंटरेस्ट कंप्यूट गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है दस लाख से गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है एक लाख से एक लाख तूने गवर्नमेंट को कम पे किया है उस पर तुझे इंटरेस्ट कंप्यूट करना है अंडरस्टूड ठीक है एकदम समझा कि नहीं टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी टीसी फोर

ट्वेंटी वन और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और वो हम लोग अज्यूम कर लेते चलो इधर हम लोग अज्यूम कर देते ही फाइल द एनुअल रिटर्न ऑन ट्वेंटी नाइन इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो ये दिन के पहले

that had been reversed earlier ठीक है तो ये पॉइंट डायरेक्टली रिलेट करता है अपने 180 डेज के पॉइंट पे ठीक है अगर डेप्रिसिएशन का क्या सीन है सर अभी एकदम सिंपल सिंपल पार्ट चालू होते हैं, एकदम आराम से देखना 180 डेज ही मुझे लगता है वो थोड़ा सा अलग पॉइंट था पर अभी जो पॉइंट्स चालू होंगे ना दोस्त इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे पॉइंट्स देखो अगेन आई विल

फ्रॉम बिंकी परिंक फ्रॉम बिंकी परस्पेक्टिव इफ बिंकी कंसिडर्स हर एक्चुअल कॉस्ट एज इलेवन लैक्स अगर बिंकी ने एक्चुअल कॉस्ट इलेवन लैक्स कंसिडर किया मतलब बिंकी इज कंसिडरिंग जीएसटी कॉम्पोनेट ऑफ वन लैक एक्चुअल कॉस्ट इलेवन लैक्स कंसिडर किया इसका मतलब शी इज क्लेमिंग आई टी सी ऑन दैट जीएसटी चार्ज हुआ था उस पर उसने डेप्रीसिएशन का बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट ले लिया है बिकॉज वन लैख पे वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी सो देखो एक्चुअल कॉस्ट अगर लैक्स कंसिडर किया तो डेप्रीसिएशन फिफ्टीन परसेंट विल बी ऑन इलेवन लैक्स

स एंड दैट्स वाई दे सेड दैट अगर तू एक्चुअल कॉस्ट में जीएसटी का कंपोनेंट यू आर इंक्लूडिंग व्हिच मींस यू आर टेकिंग अ डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन व्हिच मींस यू आर टेकिंग इन दी एन एल पी एन एल डेबिट साइड और पीएनएल डेबिट साइड इसके वजह से नेट प्रॉफिट कम होगा तो ये जो अगर तुने एक्चुअल कॉस्ट में कंसिडर किया होगा तो तुझे उसका आई हम लोग नहीं देंगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी क्लेमिंग द बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट

डेक्ट I I section section टैक्स का रेपिडर निकाल के दिखाता हूँ मेरा वाला तुम लोग जो भी ऑथर से पढ़ रहे हो वो तुम लोग देख सकते हो पर मैं मेरा बुक निकाल के तुम लोगों को दिखाता हूँ ये चीज देखो फोर्टी थ्री वन बात करता है फोर्टी थ्री वन बात करता है एक्चुअल कॉस्ट के बारे में एंड एक्चुअल कॉस्ट कॉस्ट में ऑफ़ द ऐड करते हैं इंस्टॉलेशन ऐड करते हैं एंड यू कम डायरेक्टली टू पॉइंट नंबर फोर जिधर लिखा है टैक्सेस एंड ड्यूटीज इफ आई टी सी इज नॉट अवेलेबल अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा तो ही मैं ये जो टैक्सेस जीएसटी है बेसिकली वो जीएसटी का कंपोनेंट इधर ऐड कर सकता हूं मतलब अगर तुझे इधर ऐड करना होगा तो तू तो आईटीसी नहीं ले सकता ऐसा वो लोग बोल रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज पढ़ा हम लोग ने अगर इधर ले रहे हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगा हम लोग ने उधर पढ़ा अंडरस्टैंडिंग टू इट इज वन एंड द सेम राइट आई ले और ये मत ले और अदरवाइज ये ले तो आई टी मत ले अंडरस्टैंडिंग श्योर एकदम तो ये इंटरकनेक्शन अपना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के भी हो गया हम लोग तो सिर्फ अब तक जीएसटी के इंटर कनेक्शन कर रहे थे अब उन्होंने कनेक्शन भी कर लिए तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है डेप्रिसिएशन का पार्ट एक इस, में ये डाला मैंने ओनली वन बेनिफिट इधर इन इनकम टैक्स और अंडर जीएसटी टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आई वी ऑलरेडी नो और एक बात करते हैं और एक बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आई में और एक आई वॉन्ट टू टेल यू इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस कि क्या बेनिफिशियल है अभी वो डिपेंड करते है किस में तेरा बेनिफिट ज्यादा हो रहा है ज ऑलवेज बेनिफिशियल अगर आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा तो रीजन बींग की जितना आई टी सी है पूरा का पूरा मैं माइनस कर रहा हूं राइट right? डेप्रिसिएशन में वॉट है लेने के बाद आई गेट ओनली फिफ्टीन परसेंट का बेनिफिट इन द कर इयर अगेन फिफ्टीन परसेंट इन द नेक्स्ट ईयर अगेन फिफ्टी परसेंट इन द नेक्स्ट ईयर मुझे ऐसे बेनिफिट मिलता है सो इट ऑल डिपेंड्स अपन केस टू केस बेसिस की एक्जैक्टली क्या तरह सिचुएशन है उसके बेसिस में देखो इधर मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल देता हूं ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू

एकदम सिंपल है ओके okay, ठीक है अभी देखो और एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं हुआ क्या हुआ क्या समझ वन थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को एक रुपीज सॉरी सेवन थाउजेंड यूनिट्स का क्या है सेवन थाउजेंड यूनिट का सेवन थाउजेंड यूनिट का इनवॉइस रेज हुआ पूरा बात समझना में क्या बोल रहा हूं जीएसटी पे GST हुआ वन लाख चार्ज हुआ वन लाख रुपीज सो बी को आईटीसी लेना है तो मुझे बता बी के लिए आईटीसी का टाइम लिमिट क्या होगा सेम जो हम ने ऊपर अभी डिस्कस किया ट्वेंटी टू और फाइलिंग एनुअल uh, है? ना हुआ क्या कि उनको बाद में हो बाबा, ये तो हम लोग ने सिर्फ सेवन थाउजेंड चार्ज किया है एक्चुअली वी हैड टू चार्ज

क्वेश्चन ये आता है कि थर्टी थाउजेंड का आईटीसी लेने के लिए डेबिट नोट के लिए अलग टाइम लिमिट है या ओरिजिनल इनवॉइस का ही टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगा व्हाट डू यू थिंक ओके एवरीबडी सेम की सेम होगा सेम होगा सेम होगा दो साल पहले इसमें अमेंडमेंट आया दो साल पहले इसमें अमेंडमेंट आया और उन्होंने बोला कि पहले वही बोला था तुम लोग जो बोल रहे हो वही बोला था कि सिंस डेबिट नोट का एक अलग ये नहीं प्रेजेंस नहीं है तो इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे वन थ्री ट्वेंटी टू का ही हम लोग टाइम लिमिट ले लेंगे प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है वन थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का अगर मैंने डेट देखा तो इन दैट केस 31, टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और एक्चुअल डेट अज्यूम करता है 30, 29 11, 2022. 29 11, 2022. यह हुआ, अरे डेबिट नोट ही का भी रेज हुआ डेबिट नोट रेज ही ट्वेंटी टू को हुआ है अगर डेबिट नोट ही वन टी टू हुआ है तो थर्टी थाउजेंड का तो आई टी सी का सवाल ही नहीं है आईटीसी का तो सवाल ही नहीं है थर्टी थाउजेंड का आई का सवाल ही नहीं है बिकॉज अगर हम लोग ने सेम सेम टाइम लिमिट पकड़ा तो हम लोगों को इसके पहले आईटीसी लेना पड़ेगा पर अगर डेबिट नोट ही बाद में, बाद में रेज हुआ तो मैं थर्टी थाउजेंड का आई कैसे ले सकता हूं तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा इसके वजह से दे केम अप विद अ पॉइंट दैट डेबिट नोट का टाइम लिमिट विल बी डिफरेंट एंड ओरिजिनल इनवॉइस का टाइम लिमिट विल बी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग तो ये सेम नहीं होगा एंड रीजन के साथ तुम लोगों को पता है कि क्यों सेम नहीं होगा सो ओरिजिनल इन्वॉइस वन लैख इसका टाइम लिमिट अलग ऑन डेबिट नोट का टाइम लिमिट अलग दैट एक लाख एक साल बाद का होगा ना इसके लिए कितना होगा इंडिपेंडेंटली कंसिडर करना इसके लिए क्या होगा इसके लिए इट इज गोइंग टू बी थर्टी लेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और अज्यूम करते हैं ट्वेंटी नाइन लेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो थर्टी थाउजेंड लेने के लिए मुझे अलग टाइम लिमिट है एंड वन लाख लेने के लिए अलग टाइम लिमिट

दोनों केसेस में इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई बराबर दोनों केसेस में इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई बट इट इज टैक्स क्या बोलते हैं इसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं तो ये जो उसने एक्सपोर्ट किया ना उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई दिस इज कंसिडर्ड टैक्सेबल सप्लाई और इसके वजह से उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा पर वो करेगा क्या आईटीसी का अरे सर आउटवर्ड सप्लाई ही जीरो है तो करेगा क्या आईटीसी का तो आईटीसी क्या कर सकता है मालूम है आईटीसी का वो रिफंड ले सकता है आईटीसी का क्या करना पड़ेगा रिफंड लेना पड़ेगा तो 112, को हुआ ना फाइनेंशियल ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का, का लास्ट डे क्या होगा थर्टी इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और एक्चुअल डेट विच एवरी राइट तो वो क्या कर सकते हैं रिफंड ले सकता है ओके अब ओके ये तुम लोगों को इतना ही करना है ये जो मैंने तुम लोगों को अभी तक बोला वो ठीक है ओके और ये करना अंडर जीरो आई टी सी कैन बी क्लेम्ड एंड आई टेक अ रिफंड ऑफ द आई टी सी विच इज क्लेम्ड ठीक है जीरो रेटेड सप्लाई का इतना ही पॉइंट है आ जाओ सेक्शन नंबर सेवनटीन पे सर ये क्या तुम आप ये कर रहे हो अरे ये रूल फोर्टी टू रूल फोर्टी थ्री फाइनल के लिए तुम लोगों को नहीं बोल रहा को ये का होगा okay. अभी हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर सेवनटीन पे जो अभी तुम लोग मालूम है दो ही पॉइंट्स बाकी है सेक्शन नंबर सेवनटीन सेक्शन नंबर एटीन पर यही दो पॉइंट्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में आने वाले हैं मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में इसमें से ही आएंगे सो so, पूरा फोकस दोस्त तुम लोगों का इधर चाहिए अभी जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद एक रूल 86 बी करके है, वो भी डिस्कस करेंगे तो पूरा फोकस इधर रखना मैं क्या बोल रहा हूं देखो सेवेंटीन वन सेवनटीन टू में क्या बोला है मालूम है एकदम सिंपल बात बोला उन्होंने तूने कुछ गुड्स परचेज किए और जीएसटी पे किया ठीक है एंड यू यूज दोज गुड्स फॉर टैक्सेबल सप्लाईज अगर तूने वो एक्सक्लूसिवली गुड्स टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज किए होंगे तो तुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा इंडिपेंडेंट केसेस है वो ठीक है अगर मैंने वो गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाईज के लिए यूज किए आउटवर्ड सप्लाई के लिए तो मुझे उस पे जो भी आईटीसी है वो नहीं मिलेगा अगर मैंने वही गुड्स ये सब कुछ इंडिपेंडेंट है एक साथ नहीं बोल रहा हूं मैं एक साथ होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो एक साथ नहीं है इंडिपेंडेंट केसेस में वापस बोल रहा हूं उसके बाद ये मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए आईटीसी मिलना चाहिए और अगर मैंने नॉन बिजनेस के लिए यूज किया तो उसका मुझे आईटीसी हाउ टू रीड दिस इफ आई परचेस एनीथिंग आई यूज दोबल सप्लाईज आई विल गेट आई परचेस एनीथिंग आई यूज दो सप्लाईज आई विल नॉट गेट द आई टीसी

करते करते ही पूरी मतलब वट लग जाती है रूल फोर्टी टू फोर्टी थ्री बहुत बड़ा है बहुत बड़ा मतलब आ, आ, जस्ट समझना कि तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ कि रूल फोर्टी टू फोर्टी थ्री नहीं है ना ऐसा हुआ था कि जो आई थिंक नवंबर ट्वेंटी वन के लोगों को ऐसा कुछ था, था कि मैंने सिखाया पूरा और उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाला कि इट इज़ नॉट देयर नाउ सो so, अच्छा हुआ मतलब बहुत बड़ा रूल है वो ये वन एंड टू हुआ अभी हम लोग फोर के बारे में एक बार बात करते हैं फोर के बारे में बात करते हैं सब लोग फुल फोकस रखना फोर पे बिकॉज फोर जेन्यूनली बहुत इंपॉर्टेंट है हुआ तो होता क्या है बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझना बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है कि हम लोग ने एग्जेम्पन चैप्टर देखा Exemptions के चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी सेट दिस दैट वी आर वी आर प्रोवाइडिंग सर्टन सर्विसेस जो एग्जाम है टैक्सेबल भी है जो एग्जेम्ट भी है टैक्सेबल भी है विच आर दर्विसेस ऑफ बैंकिंग कंपनी आर एग्जेपल कौन से कौन से एग्जेम्ट है कौन से कौन से टैक्सेबल है इंटरेस्ट ऑन दाल का मैंने बात किया था इंटरेस्ट ऑन दाल का डी मतलब डिपोजिट का इंटरेस्ट ए मतलब एडवांस का इंटरेस्ट एंड एल मतलब लोन का इंटरेस्ट ये तीनों का जो भी मुझे इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है फ्रॉम टैक्स राइट सो कैन आई से दैट बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड सप्लाई टैक्से पहले बैंक का बैंक के परस्पेक्टिव से देखना बैंक इज टेकिंग सर्टन सर्विस ऑफ रेंटिंग जिसपे जीएसटी पे किया है 10 लाख का 10 लाख का जीएसटी पे किया है एब्सोल्युटली राइट अभी देखो बैंक ने वही सप्लाई किसके लिए यूज किया ठीक है ना अगर टैक्सेबल के लिए ट्वेंटी तो ले लें ले, ओके वेरी गुड तो अगर मेरे पास इतना बड़ा टीम होता और इतना बड़ा टीम है और मेरे में दम है गवर्नमेंट बोल रखेंटिफाई दर्सेंट एंड मतलब टैक्सेबल के लिए इट इज एटी परसेंट एग्जाम के लिए ट्वेंटी परसेंट अच्छा तू ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है ना तो प्रॉब्लम नहीं है यूज हुआ है इजी एकदम नो प्रॉब्लम यह तो बहुत सिंपल है बराबर पर प्रॉब्लम यह होता है ना कि देर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शन विच ए देर विद बैंक के साथ इतने सारे ट्रांजेक्शन है ना कि उनको वो बहुत डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना कि ये परसेंटेज कितना है और ये परसेंटेज कितना है हम लोगों के लिए बुक में आइडेंटिफाई करना और रीड करना बहुत ईजी है मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूं तुम लोग जो अभी पढ़ रहे हो ना और तुम लोग जो बाद में काम करने वाले हो ना इट जमीन आसमान का फर्क है जमीन आसमान का फर्क तुम लोगों को बाद में लगने लगेगा जो हम लोग पढ़ रहे थे ना बहुत ईजी था जब भी एक्चुअली करने का बात आता है ना जिन्होंने काम किया होगा उनको रियलाइज हुआ होगा कि जब भी एक्चुअली तुम लोगों को करने का बात आएगा ना तुम लोगों को समझेगा कि ये परसेंटेज निकालना इज अ बिग चैलेंज बिकॉज देर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन इन द इन इन वन मंथ ओनली एंड देर आर सो मेनी ब्रांचेस तुम लोगों को इट इज बिकमिंग एक्जैक्टली एक्चुअली इंपॉसिबल फॉर द बैंक टू आइडेंटिफाई दिस

फिफ्टी परसेंट आईटीसी फर्गो करो नो क्वेश्चन दिस फिफ्टी परसेंट आईटीसी लेनाली और एक ऑप्शन मिला कि सीधा सीधा फिफ्टी परसेंट ऑफ आई टीसी ले सकते हैं बाकी का फिफ्टी परसेंट फर्गो कर देंगे राइट right? तो अगर बैंक में दम होगा तो, तो यह करके दिखा तो प्रॉब्लम नहीं बैंक को उसका कुछ गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसका गवर्नमेंट को इसका प्रॉब्लम है नहीं गवर्नमेंट तो तेरे बेनिफिट के लिए बोल रहा है कि अच्छा तुझे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ना तो एक काम कर ठीक है यू डोंट कंप्यूट एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली डू वन थिंग टेक इंडिपेंडेंटलीसेंट ऑफ आईटीसी खेल खत्म क्वेश्चन विल नॉट बी आस अब कुछ असेसमेंट होगा नहीं इसमें बिकॉज फिफ्टी परसेंट फ्लैट ले लिया तू राइट सो ये क्या हो जाता है ना ये एप्लीकेबल ये दिस इज एन ऑप्शन विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द बैंक्स ठीक है ओके परफेक्ट एकदम ओके अभी मैं तुम लोगों को और एक चीज बताता हूँ इसमें सब समझता है असेसमेंट में सब समझता है आ जाओ

नौ जीएसटी कैसे पे होगा इसमें अरे डिस्टिंग तो तो आया उस पर उन्होंने जीएसटी पे किया है द क्वेश्चन कम्स कि इस पर आईटीसी ले सकते हैं क्या अच्छा तो पहले देखो कि बोटक चैंद्रा बैंक ने वो जो सर्विसेज था वो किसके लिए यूज किया तो उन्होंने टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया और एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया गवर्मेंट ऑप्शन दे रहे कि अच्छा आर यू एबल टू आइडेंटीफाई दिस परसेंट बोटक चंद्रा बैंक मुंबई बोल रहा हाँ आई एम एबल टू आइडेंटीफाई तो ठीक है तो सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट एंड फोर्टी परसेंट पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है जो भी आई टी सी क्लेम करना है उसका सिक्सटी परसेंट ले एंड फोर्टी परसेंट यू है एग्जाम सप्लाई फोर्टी परसेंट नहीं मिलेगा आई टी सी तुझे ठीक है बट प्रॉब्लम यही है ना सर कि तो हम लोगों को आई टी सी नहीं मिल आ, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कितना कि परसेंटेज है कि कितना परसेंटेज है हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कितना परसेंटेज टैक्सेबल के लिए कितना परसेंटेज एग्जाम के लिए इसके वजह से इसके वजह से दे सेड एक काम करो सीधा सीधा फिफ्टी परसेंट का आईटीसी ले लो तो इधर आईटीसी कितना मिलेगा वन लाख मिलेगा क्या नहीं इन टू फिफ्टी परसेंट विच मीन इट इज गोइंग टू बी इतना मुझे आईटीसी मिल जाएगा दप्लाईज टेकन फ्रॉम द थर्ड पार्टी ठीक है उसके बाद बोटक चहिंद्रा बैंक सूरत से आते हैं इसमें मुझे आईटीसी कितना मिलेगा अभी तक के अंडरस्टैंडिंग से ऐसा ही है अभी तुम लोगों को एक चीज बताओ गया तो उन्होंने और एक चीज धरलाया कि दिस 50 परसेंट का रिस्ट्रिक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल दिस 50 परसेंट का रिस्ट्रिक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द सर्विसेज टेकन फ्रॉम माय ओन ब्रांच रजिस्टर्ड अंडर द सेम पैन विच मीन्स अगर मेरा खुद का ब्रांच होगा और वो रजिस्टर्ड अंडर द सेम पैन है एंड वी आर डिस्टिंग रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल मुझे मिल जाएगा एक्सपेक्ट दिस पॉइंट फॉर एमसीक्यूज एक्सपेक्ट दिस पॉइंट फॉर एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा तुम लोगों को इस पर ई मिल जाएगा तो इधर ये किधर लिखा है मालूम कभी कभी एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं एग्जाम में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रोवाइजर टू सेक्शन नंबर सेवनटीन ऐसा वो लोग लिखते हैं सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रोवाइजर टू सेक्शन नंबर सेवनटीन ये जो बोला ना कि विल नॉट बी एप्लीकेबल फिफ्टी परसेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा वो किधर होगा दिस इज ओनली इन केस ऑफ सेकेंड प्रोवाइजर टू सेक्शन सेवनटीन और उसमें क्या लिखा है बोटक मुंबई एंड सूरत ऑफिस रजिस्टर्ड अंडर द सेम पैन रजिस्टर्ड अंडर द सेम पैन होना चाहिए डिस्टिंग होनी चाहिए देन ओनली दैट फिफ्टी परसेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल, बिकॉज दे देश की दोनों सेम ही है अंडरस्टैंडिंग पक्का एकदम थर्ड पार्टी से ले रहे हो तेरे पास दो ऑप्शन है ही एक ऑप्शन है पूरा आइडेंटिफाई द आउटवर्ड टैक्स का आउटवर्ड का परसेंटेज और तू आई ले सकता है नहीं करता है, तो एक एक काम कर ले तेरे पास ऑप्शन है फिफ्टी परसेंट का पर फिफ्टी परसेंट का ऑप्शन जो है वो सिर्फ थर्ड पार्टीज के लिए है अगर वो ए, मेरा ही कौन सा दूसरा ऑफिस होगा एंड इफ आई एम इट इज माई ऑफिस ओनली रजिस्टर द सेम पैन देन इन दैट केस फिफ्टी परसेंट का रिस्ट्रिक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल करेक्ट ये चार्ट तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगा ये चार्ट बहुत हेल्प करेगा ओके okay. ये किधर लिखा है सर ये सब जगह लिखा है देखो प्रोवाइडेड दैट वंस एक्सरसाइज इट शैल नॉट बी विदड्रॉन प्रोवाइडेड फर्दर दैट मतलब ये सेकंड हो गया द रिस्ट्रिक्शन ऑफ शैल नॉट अप्लाई टू द टैक्स पेड ऑन सप्लाइज मेड बाय वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन पर्सन हैविंग द सेम पैन करेक्ट है दिस इज योर सेवेंटीन फोर अभी हम लोग ब्लॉक्ड क्रेडिट पे आगे जा रहे हैं एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज इंपॉर्टेंट ब्लॉक्ड क्रेडिट ही तेरा हार्ट ऑफ द चैप्टर है इसके लिए तेरे भाई के पास है मस्त मस्त चार्ट्स मॉड्यूल में 174 फोर नहीं है क्या बात कर रहे हैं मैं एक बार चेक करता हूं अरे आरटीपीस पे क्वेश्चन अभी नहीं पर पहले के आरटीपीस पे क्वेश्चन है 174 फोर तो एक बार मैं चेक करता हूं ठीक है। अच्छा है अगर नहीं होगा तो नहीं होगा तो अच्छा ही है ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा चलो सेवनटीन फाइव पे आते सेवनटीन थ्री है पर सेवेंटीन सेवनटीन थ्री है सेवनटीन फोर नहीं है अच्छा तो अच्छा है ठीक है ठीक है तो भी मैं एक बार चेक करता हूँ कि उन्होंने कुछ अपडेट में या किधर किधर कुछ दिया है क्या एक बार चेक करता हूँ बिकॉज इफ आई एम नॉट लास्ट टाइम तक तो था बिकॉज उसमें क्वेश्चन भी है सेवनटीन फोर पे सेकेंड प्रोवाइजो पे अपने मॉड्यूल में भी क्वेश्चन डाला है इसकी वजह से मैंने ठीक है परफेक्ट ठीक है चलो सेवनटीन फाइव अपने को है तो सेवनटीन फाइव पर भी फोकस करते सेवेंटीन फाइव बात करता है मोटर व्हीकल्स ओके क्या क्या बात करता है ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बात करता है क्या बात करता है ब्लॉक्ड क्रेडिट फोकस करना आई एम परचेसिंग सर्टन मोटर व्हीकल्स जो मोटर व्हीकल्स पे ओके आई एम परचिंग सर्टन मोटर व्हीकल्स आई शुड बी यूजिंग दो मोटर व्हीकल्स फॉर बिजनेस बराबर ये हम लोग का मेनली बेसिक होना चाहिए कि अगर मैंने मोटर व्हीकल्स यूज किए हैं बिजनेस पर्पज के तो मुझे उसका आई मिलना चाहिए पर पॉइंट ऐसा है कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि हाउ हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि वो जो मोटर व्हीकल है उस पर यू आर दैट मोटर व्हीकल यू यूजिंग इट फॉर योर बिजनेस वो आइडेंटिफाई कैसे करें तो हम लोग बोल सकते हैं आई शब पद मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को कि ये जो मोटर व्हीकल है बिजनेस के लिए ही यूज होता है कैन वी से गवर्नमेंट ने सीधा सीधा मना कर दिया कि वी आर आइडेंटिफाइंग सर्टन ट्रांजेक्शन ये ट्रांजेक्शन अगर तुम लोग ने परचेस किया मतलब इन्वर्ड सप्लाई रिगार्डिंग दीज ट्रांजेक्शन इस पे तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा इसपे तुझे आई टी सी नहीं मिलेगा सीधा सीधा क्या करके रखा है ब्लॉक करके रखा है ब्लॉक ब्लॉक करके रखा है ब्लॉक अंडरस्टैंडिंग नंबर वन मोटर व्हीकल्स अभी आई विल नॉट टेल यू ओनली रिगार्डिंग ओनली रिगार्डिंग मोटर व्हीकल का पॉइंट मैं तुम लोगों को पूरा 360 सिक्सटी डिग्रीज बताऊंगा कि थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे विल दे विल टेल यू परमिटेशन कॉम्बिनेशन इन द एग्जाम मतलब दे विल ट्राई सम परमिटेशन कॉम्बिनेशन इन द एग्जाम सो जितना दिया उतना मत पढ़ो पूरा का पूरा पढ़ो ठीक है नंबर वन नंबर वन मोटर व्हीकल्स के केस में नंबर वन अगर तूने ऐसा कौन सा मोटर व्हीकल परचेस किया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो उस उसपे आईटीसी मिल जाएगा ऑफकोर्स बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर एग्जाम्पल ट्रक है गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी फियर कि तू ट्रक फैमिली पर्पज के लिए यूज करेगा अगर तेरा ज्वाइंट फैमिली भी होगा ना तो भी तू ट्रक, तु तु ट्रक नहीं परचेस करेगा तभी तो ट्रक परचेस नहीं करेगा एक काम करते हैं हम लोग ट्रक परचेस करते हैं और सब लोग पीछे खड़े रह के आएंगे हम लोग होटल में खाना खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में तभी पीछे सब ट्रक में खड़े रहकर आएंगे ठीक है और ऐसे चढ़ने के लिए ऐसे सी रखेंगे और सीढ़ी से सी चढ़ के ऐसा तो होगा नहीं गेस्ट आने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं ऐसा भी कोई सोचेगा तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर मैंने परचेस किया होगा मोटर व्हीकल इधर तो गवर्नमेंट को फेयर ही नहीं है ना अगर फेयर ही नहीं है पर्सनल के लिए यूज होगा कि प्राइवेट के लिए देन इन दैट केस इधर मुझे आईटीसी पूरा का पूरा मिल जाएगा पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स मैंने इधर मेन प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में गवर्नमेंट साइड की मुझे नहीं मालूम कि ये जो तुम लोगों के गुड्स है मतलब जो मोटर व्हीकल है तुम लोग किसके लिए यूज करने वाले हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब पर्सनल पर्पस के लिए करोगे या प्राइवेट पर्पस अपना बिजनेस पर्पस के लिए करोगे सो दे साइड की अच्छा तो भी अगर मैंने मोटर व्हीकल परचेज किया एंड आई एम यूजिंग इट फॉर थ्री सप्लाईज नंबर वन फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल मैं मोटर uh, व्हीकल लेता हूँ मोटर व्हीकल बेचता हूँ सेकंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है ओला उबर का बिजनेस है एंड तीसरा इंपॉर्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स मतलब क्या मेरा मोटर ड्राइविंग स्कूल है इफ दीज थ्री कंडीशन आर गेटिंग सेटिस्फाइड, देन इन दैट केस गवर्नमेंट सेट की तुझे क्या मिल जाएगा इस पर जीएसटी आई का आई मिल जाएगा इस पर क्या मिलेगा जीएसटी का आई मिल जाएगा अगर ये फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर वहीकल के बिजनेस भी यूज कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ इंपॉर्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे आई मिल जाएगा एकदम परफेक्ट नो प्रॉब्लम ओके उसके बाद इधर सीटिंग कैपेसिटी का क्या सीन है सीटिंग कैपेसिटी इधर सीटिंग कैपेसिटी थर्टीन के नीचे है थर्टीन के ऊपर है डज नॉट मैटर इट इज ऑलवेज अलाउड एज इट इज ऑलवेज अलाउड एज आई टी सी आई टी सी हमेशा मुझे क्या मिल जाएगा उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अदर परपजेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अदर परपजेस अभी मैंने मेरे बिजनेस के लिए यूज uh, किया क्या मैंने बिजनेस के लिए यूज किया मोटर व्हीकल आई परचेस्ड वन मोटर व्हीकल फॉर माई बिजनेस बट पॉइंट की तीन बिजनेस में फॉल नहीं हो रहा हूं पर तो भी मैं हंड्रेड परसेंट बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं देन इन दैट केस अदर के लिए इफ द अमाउंट 13 लेसेंट तो मुझे उसका आई टी सी मिल जाएगा बट अगर वो सीटिंग कैपेसिटी इज इक्वल मोर देन थर्टीन परसेंट उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा अंडरस्टैंडिंग नो प्रॉब्लम अभी ये जो थर्टीन परसेंट इज इंक्लूडिंग ड्राइवर ट इज वॉट इंक्लूडिंग ड्राइवर ड्राइवर के साथ थर्टीन परसेंट हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वल टू और लेस देन थर्टीन है ये याद रखना अंडरस्टैंडिंग सो फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन इंपार्टिंग ट्रेनिंग छोड़ के अगर बिजनेस के लिए भी अगर मुझे चाहिए तो थर्टीन परसेंट के ऊपर मेरा सीटिंग कैपेसिटी होना चाहिए तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा दिस इज योर मोटर व्हीकल का पॉइंट दिस इज योर मोटर व्हीकल का पॉइंट पॉइंट नंबर वन सिंपल आगे जाते हैं विद नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट पॉइंट नंबर टू एग्जैक्टली सेम है मोटर व्हीकल exactly जैसा मैंने अगर वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए परचेज किया होगा मुझे ऑलवेज आई आई गेट द आईटीसी हमेशा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए गवर्नमेंट को वैसे भी डर नहीं है हमेशा मुझे आईटीसी मिल जाएगा बट अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए लिया होगा तो पैसेंजर्स के लिए तीन चीजें फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ये तीनों के लिए परचेस किया होगा तो मुझे इन आईटीसी आई मिलने वाला है बट अगर अदर के लिए यूज किया होगा इसमें तो सीटिंग कैपेसिटी नहीं होगा तो मुझे आईटीसी मिलेगा ठीक है नो प्रॉब्लम पॉइंट नंबर थ्री रिपेयर सर्विसिंग एंड का बात करता है मतलब क्या किया मेरे पास एक मोटर व्हीकल है ऑलरेडी परचेस किया है उसके मैंने रिपेयर का सर्विस लिया उसका मैंने क्या किया रिपेयर का सर्विस लिया इफ आई एम टेकिंग रिपेयर सर्विस फ्रॉम संबडी हेल्स क्वेश्चन क्या है एवरीथिंग इज परफेक्ट प्लीज ध्यान देना इधर अगर मेरा मेरे पास एक मोटर व्हीकल है आई परचेज दैट मोटर व्हीकल इफ आई परचेज दैट मोटर व्हीकल और इफ आई परचेज दैट मोटर व्हीकल उस पे मैंने रिपेयर्स करवाया उसमें मैंने रिपेयर्स करवाया तो रिपेयर्स के लिए भी मेरे से जीएसटी कलेक्ट हुआ अगर रिपेयर्स के लिए भी जीएसटी कलेक्ट किया है तो जीएसटी का क्या कंसिडर करेंगे मतलब जीएसटी का क्या होगा मतलब उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा इट ऑल डिपेंड्स इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेन व्हीकल इफ मेन व्हीकल इफ मेन व्हीकल पे मुझे आईटीसी मिलता है तो उसके रिलेटेड के रिपेयर्स इंश्योरेंस पे भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा अगर मेन व्हीकल पे मुझे आईटीसी मिलता है उसके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा बट अगर मेन वेहीकल पर ही मुझे आईटीसी नहीं मिलता है तो उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे आई नहीं मिलने वाला है करेक्ट मोटर वेसल्स एयरक्राफ्ट मिलेगा अगर जनरल इंश्योरेंस रिपेयर्स सर्विस सर्विसिंग ऑफ ऑन सच एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल्स एयरक्राफ्ट पे मुझे आईटीसी मिल जाएगा अगर मेन व्हीकल पे आईटीसी मिलता है तो ओके okay. अगर मेन व्हीकल पे आईटीसी नहीं मिलता है तो उसके रिलेटेड सर्विसेज़ पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा इजी ओके एक मिनट ओके okay. अभी हम लोग बात करते हैं ये हम लोग ने कब तक किया किधर तक किया ये पॉइंट नंबर वन इधर हो गया पॉइंट नंबर टू इधर हो गया सॉरी पॉइंट नंबर वन इधर हो गया वेसल्स का इधर हो गया एंड इंश्योरेंस का इधर कवर हो गया ऑल द पॉइंट्स आर गेटिंग कवर्ड इन दिस इन दिस इन दिस पॉइंट्स अभी बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस एक मिनट मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर अभी होता क्या कि मैंने अगर मेरे एंप्लॉज के लिए अगर कौन सा जिम मेंबरशिप लिया क्लब मेंबरशिप लिया उस पर मैंने जीएसटी पे किया तो गवर्नमेंट साइड आई टी सी नहीं मिलने वाला है ठीक है तो आई टी सी इज ब्लॉक्ट बट अगर इट इज अ स्टैचरी ऑब्लिगेशन सर वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्टैच्यूटरी ऑब्लीगेशन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मतलब स्टेचुटरी ऑब्लिकेशन मतलब एक लॉ ने ऐसा बोला है कि एवरी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए एवरी एवरी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए क्लब मेंबरशिप हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है अगर यह सिचुएशन अगर लॉ ने किसी ने बोल के रखा है तो मुझे उसको लेना ही पड़ेगा उसको अगर एम्प्लॉयज के लिए लिया तो मैं जीएसटी पे करूंगा तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा अदरवाइज मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर इज ट्रैवल बेनिफिट्स एक्जैक्टली सेम अगर मैंने अगर एम्प्लॉज के लिए ट्रैवल बेनिफिट्स के लिए कुछ आ, पैसा खर्चा किया होगा जीएसटी पे किया होगा इट इज नॉट अलाउड एज आई बट अगर स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा तो उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा उसके बाद है अदर्स अदर्स में आता है मैंने क्या परचेज किया मेरा इनवर्ड सप्लाई इज फूड बेवरेज आउटडोर केटरिंग कॉस्मेटिक सर्जरी दैट इज प्लास्टिक सर्जरी देन हेल्थ केयर ये मेरा इनवर्ड सप्लाई है मेरा इनवर्ड सप्लाई है फूड का फॉर एग्जाम्पल uh, अगर मेरे ऑफिस में कुछ मुझे डिनर रखना है या कुछ भी रखना है देन इन दैट केस मैं बिजनेस पर्पज़ के लिए मैं फूड का इन्वर्ट सप्लाई कर रहा हूँ गवर्नमेंट सेट की इवन दो इट इज़ फॉर योर बिजनेस आई विल नॉट गिव यू द आई टी सी ओके फूड बेवरेज आउटडोर केटरिंग कॉस्मेटिक सर्जरी हेल्थ केयर लाइफ इंश्योरेंस लीजिंग रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स और वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑन विच आई टी सीज ब्लॉक अगर ये मेरा अगर इनवर्ड सप्लाई होगा तो मुझे उस पर आई टी सी नहीं मिलने वाला है बट अगर मेरा इनवर्ड सप्लाई है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ दीज गुड्स मेरा ये इनवर्ड सप्लाई है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ दीज गुड्स देन इन दैट केस मुझे उस पर आई टी सी मुझे उस पर आई टी सी मिल जाएगा देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में लेस देन देस है तो आई अलाउड था चार्ट में लेस देन आई कैसे अलाउड हो गया है चार्ट में ऐसा किधर है मुझे नहीं दिख रहा है ये सब चीज अरे ये तो इधर तो फर्दर सप्लाई है ना मुस्कान इधर तो मैंने बोला था कि विद इन थर्टीन पर... तीन अरे तुम लोग समझो बात फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इंपार्टिंग ट्रेनिंग आई से इधर थर्टीन परसेंट का लगेगा मुस्कान मोहम्मद दोनों मुझे आंसर करना ये बात का कि मुझे बताओ इधर मैंने बोला थर्टीन परसेंट लगे, लगेगा किधर भी तो, तो थर्टीन परसेंट इधर लगता ही नहीं है इधर तो मुझे थर्टीन हो पांच हो एक हो तीन हो सत्रह हो सत्तर हो इधर तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है मुझे आईटीसी देना ओके okay. सो so, अगर मेरा आउटवर्ड सप् okay. मेरा ये इनवर्ड सप्लाई फूड का है और वही मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया अगर मेरा इनवर्ड सप्लाई फूड का है और वही मैंने अगर आउटवर्ड सप्लाई किया देन इन दैट केस जो फूड पे मुझे आईटीसी ब्लॉक्ड था वो क्या हो जाएगा वो अलाव हो जाएगा वो अलाउ हो जाएगा सो so फूड हो बेवरेज हो आउटडोर केटरिंग हो कॉस्मेटिक सर्जरी हो जो मैंने इनवर्ट सप्लाई किया था उस पर आई टी सी ब्लॉक इफ आई एम अ फाइनल कंज्यूमर ये तुम लोग ने ध्यान देना इफ आई एम अ फाइनल कंज्यूमर इस पर मुझे आई टी सी ब्लॉक्ड है बट अगर वही मैं आगे यूज कर रहा हूँ फूड परचेस करके आगे मेरा केटरिंग का बिजनेस है मेरा केटरिंग का ही बिजनेस है मैं दूसरे से आउटसोर्स करके फूड लिया और फूड मैंने आगे दे दिया अगर मैंने फूड आगे दिया है तो आई एम यूजिंग दीज इन दिस इनवर्ड सप्लाई फॉर फर्दर सप्लाई इसके वजह से मुझे ये इनवर्ड सप्लाई का आई मिल जाएगा ठीक है परफेक्ट एकदम ये आई टी का एक्सेप्शन भी तुम लोगों को मैंने बता दिया आई टी सी अलाउड कभी होगा इफ इट इज इन द फर्दर सप्लाई ऑफ फर्दर इट इज इन द फर्दर सप्लाई और एक चीज और एक चीज ऐसा है कि अगर ये स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन होगा अगर मुझे बोल के रखा है गवर्नमेंट ने कि तुझे एम्प्लॉयज uh, को फूड देना मैंडेटरी है अगर मुझे फूड uh, देना मैंडेटरी होगा देन इन दैट केस इट विल बी अलाउड अलाउड टू टेक द आईटीसी। अगर मुझे फूड देना मैंडेटरी है लॉ ने बोला है देन इन दैट केस मुझे उसका क्या करना पड़ेगा आई मुझे मिल जाएगा बिकॉज लॉ ने ही मुझे बोला है ठीक है ओके उसके बाद आ जाओ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान देना इस पे क्वेश्चन आते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे। देखो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मटीरियल एंड सर्विस अभी मैंने इनवर्ड सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का किया फॉर इम मूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी इफ आई हैव अवेल्ड द वर्क कॉन्ट्रेक्ट सर्विस फॉर मूव फॉर कंस्ट्रक्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी देन इस पर क्या लगेगा आई टी सी मिल जाएगा अगर मुझे मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस इन्वर्ट सप्लाई लिया है तो मुझे उस पर आई मिल जाता है बट अगर मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिया है तो मिलेगा ओनली इफ इट इज फॉर कंस्ट्रक्टिंग प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी के लिए होगा तो ही मुझे आई मिलेगा अदरवाइज मुझे आई नहीं मिलेगा अदरवाइज मुझे आई नहीं मिलेगा सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किया तो आई मिलेगा इम मोबल प्रॉपर्टी के लिए किया वो प्लांट एंड मशीनरी होगा तो ही आई मिलेगा अदर देन प्लांट एंड मशीनरी का आई नहीं मिलेगा फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बिल्डिंग का आई क्यों नहीं मिलेगा बिकॉज वैल्यू बहुत ज्यादा होता है वैल्यू जो बहुत ज्यादा होता है जब ज्यादा आई टी मिलेगा एंड इफ यू आर गेटिंग हायर आई टी देन गवर्नमेंट को उतना ही लॉस होता है राइट right? तो इसकी वजह से उन्होंने इस पर आई टी अलाउ नहीं किया है बट इमोबल प्रॉपर्टी के केस में ओनली प्लांट एंड मशीनरी इज अलाउड एकदम सिंपल ओके okay. हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं एंड आई आई विल विल टेल टेल यू यू शाह बिल्डर से एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस इनवर्ड सप्लाई किया और मैंने वो प्लांट uh, मैंने वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज किया तो ठीक है मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए एनी वेज आई गेट द आई टी सी बट अगर मैंने जो मैंने इनवर्ट सप्लाई के लिए यूज किया है वो यूज किया है इमोबल प्रॉपर्टी प्लाट एंड मशीनरी मिल जाएगा ठीक है अगर मैंने वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए किया है तो अदर देन प्लांट एंड मशीनरी हो गया तो मुझे आई टी सी इसमें नहीं मिलेगा राइट right? ओके okay. उसके बाद शाह बिल्डर्स ने यही चीज आगे, आगे आउटसोर्स भी की थी अभी शाह बिल्डर्स ने एबीसी को दी थी एबीसी ने वर्क कॉन्ट्रैक्ट शाह बिल्डर्स को दिया तो शाह बिल्डर्स के लिए एबीसी ने क्या किया बिल्डिंग खड़ा किया पर वॉज द शाह बिल्डर फाइनल कंज्यूमर ऑफ दिस सर्विस नो सो इट इज इन द फर्दर ऑफ बिजनेस राइट मतलब ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट uh, लिया वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट इसने ही आगे सप्लाई uh, किया था तो इसके वजह से इधर ब्लॉक ऑफ आईटीसी नहीं होगा इधर प्लांट एंड मिस्टरी के तो आईटीसी मिल ही जाएगा तो उस उसपे बिल्डिंग पे भी शाह बिल्डर्स को आईटीसी मिल जाएगा बिकॉज इट इज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस बोथ द सप्लाई हैज बीन प्रोवाइडेड टू शाह बिल्डर्स फॉर फर्दरेंस ऑफ सप्लाई फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस राइट तो इसके वजह से ये जो चार्ज करेगा ना शाह बिल्डर से वैल्यू एंड जीएसटी ये जो जीएसटी होगा ना दोस्त ये जीएसटी प्लांट एंड मशीनरी का जितना होगा उतना ही मिल ही जाएगा बिल्डिंग का होगा उतना भी मिल जाएगा बिकॉज दे आर इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस सॉरी गॉट इट ओके ये तरह वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट था यह ये चार्टों को याद रखना है दैट इज मोवेबल प्रॉपर्टी इम मूवेबल प्रॉपर्टी मोबल होगा आईटीसी मिल जाएगा इम मोबल के प्लांटेड मशिशनरी मिल जाएगा अदर प्लांटेड मशनरी नहीं मिलेगा नाउ देशन कम सर वॉट अब वॉट अबाउट सेल्फ कंस्ट्रक्शन किधर गया सेल्फ कंस्ट्रक्शन एक मिनट अब आ जाओ सेल्फ कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा तुम लोगों को बता देता हूँ मैं सी सेल्फ कंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली वन एंड द सेम यू ओनली थिंक अबाउट दिस नाउ तुम लोगों को मुझे थोड़ा आई वांट टू मेक यू थिंक अबाउट इट समझना क्या है मैंने कुछ इनवर्ड सप्लाई किया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का इफ आई टेक एनी इनवर्ड सप्लाई रिलेटेड टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लिया तो मुझे मालूम है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होगा तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा अगर वो इमोबल के लिए होगा इफ्टज फॉर प्लांट एंड मशीनरी मुझे आईटीसी मिल जाएगा बट अदर देन प्लांट एंड मशीनरी मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा दिस इज वेरी क्लियर अभी समझना अगर मैं किसी और को बोल रहा हूं अगर मैं किसी और को बोल रहा हूं कि प्लीज प्रोवाइड मी कंस्ट्रक्शन सर्विस टू मी देन इन दैट केस प्लीज प्रोवाइड प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन सर्विस टू मी इन दैट केस दिस इज द रिस्ट्रिक्शन अभी अगर किसी और को बोल के दिस इज द रिस्ट्रिक्शन से किसी और को नहीं बोल रहा हूं मैं खुद बिल्ड कर रहा हूं प्रॉपर्टी और खुद बिल्ड कर रहा हूं मोबल uh, प्रॉपर्टी अगर मैं खुद बिल्ड कर रहा हूं तो कहना से रिस्ट्रिक्शन शुड बी द सेम राइट अगर मैं किसी और को बोल के कुछ मोवल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट किया तो किसी और को बोल के ये रिस्ट्रिक्शन पर सेल्फ कंस्ट्रक्शन किया तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो गलत हो जाएगा ना तो दोनों के लिए डोंट यू थिंक द रिस्ट्रिक्शन शुड बी द सेम सेल्फ कंस्ट्रक्शन हो या किसी और को बोल के हो अल्टीमेटली तो कंस्ट्रक्शन ही कर रहा है इधर मैं खुद कर रहा हूं और उधर किसी और कर, किसी कोई और करवा रहा है सो so पॉइंट इधर समझना कि सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केस में व्हाट कैन बी द इनवर्ड सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केस में द इनवर्ड आर गोइंग टू बी कैपिटल गुड्स का इनवर्ड सप्लाई दूसरा इनपुट्स का इनवर्ड सप्लाई तीसरा इनपुट सर्विस का इनवर्ड सप्लाई ये तीनों मुझे मिला के मुझे एक चीज कंस्ट्रक्ट करना है इफ आई कंस्ट्रक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू गेट द आई ऑफ ऑल द इनवर्ट सप्लाई मतलब कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा इनपुट का भी मिलेगा इनपुट सर्विस का भी मिलेगाबल so मिल ऑल्सो मिल अगर मैंने यही सेम चीज इमोबी के लिए यूज किया तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज किया तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा बट अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज नहीं किया तो मुझे किसी का भी आईटीसी नहीं मिलेगा डोंट यू थिंक इट इज वन एंड द सेम एब्सोल्युटली राइट सो नो नीड टू थिंक ट्वाइस की इसमें क्या होगा इस उसमें क्या होगा अरे कुछ नहीं सेम है अल्टीमेटली तो कंस्ट्रक्शन ही है इधर इन्वर्ट सप्लाई विल बी जो बंदा मतलब उधर इन्वर्ट सप्लाई विल बी जो बंदा मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो उस पर वो इन्वर्ट सप्लाई इधर मेरा इन्वर्ट सप्लाई इज गोइंग टू बी कैपिटल गुड्स इनपुट्स एंड इनपुट सर्विज बाकी क्या ही फर्क है इसमें अल्टीमेटली बना तो इमोबल प्रॉपर्टी रहो बना तो मोबल प्रॉपर्टी रहू

इट इज नॉट कंसिडर्ड एज प्लांट एंड मशीनरी वो बिल्डिंग जैसे ट्रीट करके वो लोग क्या करेंगे उस पर आई टी सी ब्लॉक कर देंगे करेक्ट है ओके नाउ इनवर्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर मेकिंग अ सीमेंट फाउंडेशन इनवर्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर मेकिंग अ सीमेंट फाउंडेशन ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है तन थोड़ा सा फोकस करना उसके बाद सब कुछ आंसर सब लोग दे देंगे ठीक है इनवर्ड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर मेकिंग अ सीमेंट फाउंडेशन मतलब सीमेंट फाउंडेशन बनाया फॉर प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी के लिए सीमेंट फाउंडेशन बनाया तो क्या होगा वो तो सीमेंट फाउंडेशन इज नॉट प्लांट एंड मशीनरी राइट बट उन्होंने वो भी क्लैरिफाई कर दिया कि सीमेंट फाउंडेशन अगर प्लांट एंड मशीनरी का होगा तो सीमेंट फाउंडेशन विल ऑल्सो भी ट्रीटेड लाइक अ प्लांट एंड मर्शनरी सो प्लांट एंड मशीनरी का जैसे ट्रीटमेंट आता है वैसे सीमेंट फाउंडेशन का भी ट्रीटमेंट आएगा सो इधर आई मिल जाएगा जैसे प्लांट एंड मशनरी को आई मिल जाता है ट्रीटेड लाइक अ प्लांट एंड मशीनरी ये और एक चीज हुआ उसके बाद सेल्फ कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अ सीमेंट फाउंडेशन अगर मैंने सेल्फ कंस्ट्रक्शन किया फॉर मेकिंग अ सीमेंट फाउंडेशन इट इज वन एंड करेक्ट ओके okay. तो ये दोनों पार्ट्स तुम लोगों के इधर क्लियर हो गए सेल्फ कंस्ट्रक्शन के अभी इसमें से ये किधर भी दिया नहीं था हैड आज दिस क्वेश्चन और बहुत अनलाइकली मतलब लगा नहीं था कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे बट इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए पूरा फोकस चाहिए इधर अभी मैं क्या बोल रहा हूं उसमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा पॉइंट है मे बी तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते रहोगे तो मालूम नहीं पर ये छोटा सा पॉइंट है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, देखो वेन द वैल्यू ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज नॉट कैपिटलाइज्ड मतलब ये इफ इफ आई टेक एनी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सी

ज एंड ऑलवेज गेट द आई टी सी ऑन दैट इसका मतलब क्या अगर मैंने एक इमोबल प्रॉपर्टी बिल्ड किया और वो कैपिटलाइज किया तो हम लोग देखेंगे कि वो इमोबल प्रॉपर्टी कौन सी है इफ़ इट इज लै इफ इट इज बिल्डिंग नहीं मिलेगा इफ इट इज प्लांट एंड मशीनरी मिलेगा बट अगर ऐसा कौन सा मैंने इन्वर्टर सप्लाई लिया है विच इज इन रिलेशन टू रिकन्स्ट्रक्शन रेनोवेशन ऑडिशंस ऑल्ट्रेश रिपेयर जिसका अमाउंट कैपिटलाइज नहीं हुआ है मतलब वो कैपिटल असेट में ही इंक्लूड नहीं हुआ है मतलब ये रेवेन्यू नेचर का इनवर्ट सप्लाई हुआ है जो रेवेन्यू नेचर का इनवर्ट सप्लाई हुआ है इसपे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर हमेशा और हमेशा मुझे क्या मिलने वाला है आई मिलने वाला है हमेशा और हमेशा मुझे इसपे आई मिलने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू नेचर का अगर मेरा इनवर्ड सप्लाई हुआ फॉर एग्जाम्पल रिपेयर अगर मैं कैपिटलाइज ही नहीं कर रहा हूं तो उस पर मुझे आईटीसी का रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल नहीं होगा एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 175 फाइव एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक मैं ओके, तो लोगों को क्या याद रखना इनवर्ड सप्लाई अगर कैपिटलाइज हुआ है तो ही ये सेवनटीन फाइव का रिस्ट्रिक्शन है अगर एग्जाम में आया कि यह कैपिटलाइज नहीं हुआ है सेवनटीन फाइव का रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये दिमाग में फिट करना सेवनटीन फाइव का रिस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब मुझे आईटीसी मिल जाएगा इफ इट इज रिलेटेड टू माई बिजनेस कैपिटलाइज नहीं हुआ है नो रिस्ट्रिक्शन कैपिटलाइज हुआ है रिस्ट्रिक्शन डालो मूवेबल इमूबल इमोबल में प्लांट एंड मिस्तरी ये सब कुछ मार्क दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट आई है ओके okay. ठीक अभी हम लोग अदर पॉइंट्स करते हैं सेवनटीन फाइव का सेवनटीन फाइव का लास्ट थोड़े से पॉइंट्स बाकी है दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम इफ आई एम अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम आई विल नॉट गेट द आईटीसी वो तो कंडीशन था सीएसआर का एक पॉइंट गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ रिसीव विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू हिस्स ऑब्लिकेशन अंडर सी एस आर वन थर्टी फाइव इस पर तुझे आई टी सी नहीं मिलता है क्या बोला उन्होंने कि इसमें तुझे आई टी सी नहीं मिलेगा ब्लॉक में उन्होंने ऐड किया अगर मैंने कुछ गुड्स परचेज किए विच एम गोइंग टू यूज इट फॉर सी एस आर वन थर्टी फाइव याद कंपनीज एक्ट का तो मुझे उस पर आई टी सी नहीं मिलेगा ओके बिकॉज सी एस आर का गवर्नमेंट से कुछ भी बेनिफिट हम लोग नहीं देंगे मतलब इट शुड बी प्योर कॉस्ट ओके अगर एनआरटीपी होगा गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव बाय एनआरटीपी एक्सेप्ट गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम इसका क्या मतलब होता है देखो अगर देर इज वन एनआरटीपी ये इंडिया सॉरी है एनआरटीपी ये एनआरटीपी वॉन्ट्स टू डू दिस बिजनेस बुक में नहीं है तो एक बार सी एस आर का पॉइंट एड करना मैं तुम लोगों को टाइम देता हूं लिखने के लिए उसको ना इंडिया में आके बिजनेस करना है सो ऑफकोर्स वेन ही इज कमिंग इन इंडिया टू डू अ बिजनेस कैन आई से दैट वो गुड्स लेके आएगा बराबर है ओके okay. गुड्स तो लेके आएगा जब आता है ना तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है और इंपोर्ट ड्यूटी के टाइम पे उसको ड्यूटी भी पे करना पड़ता है प्लस जीएसटी का भी, भी कंपोनेंट करना पड़ता है तो उसको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट एकदम परफेक्ट नो प्रॉब्लम ओके तो अभी होता क्या है कि वो जो जीएसटी पे करेगा उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं एनआरटीपी को एनआरटीपी को जब भी वो जीएसटी पे करेगा उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं इज द क्वेश्चन तो उन्होंने बोला है कि देखो गुड्स का तुझे आईटीसी हम लोग अलाउ कर देंगे गुड्स का आईटीसी अलाउ कर देंगे बट अगर तू इधर आके बोल रहा है कि नहीं मेरा अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग विल हैपन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सर्विसेज ऑफ आउटसाइड इंडिया उस पर तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा ओके okay, तुझे बेसिकली गुड्स का आईटीसी मिलेगा बट अगर सर्विस का अगर होगा ना तो उस पर तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा गुड्स का मिलेगा सर्विस में नहीं मिलेगा ठीक है तो ये चीज याद रखना सो so, इन्होंने जो ब्लॉक में लिखा है ब्लॉक में क्या लिखा है गुड्स एंड सर्विस ऑन द गुड्स विच आर इंपोर्टेड बाय हिम मतलब उस, उसने जो इंपोर्ट किया उस पर उनको माफ कर दिया कि ठीक है इस पर हम लोग जीएसटी का आई तुझे दे देंगे उस पर ब्लॉक नहीं करेंगे बाकी ऑल द थिंग्स विच यू इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विल बी उस पर आईटीसी ब्लॉक कर देंगे करेक्ट अभी पर्सनल पर्पज के लिए किया तो आईटीसी मिलेगा क्या ऑफकोर्स नो मिल नहीं मिलेगा गुड्स लॉस्ड मार्क दिस इंपॉर्टेंट अगेन टेक अ पेंसिल मार्क इट इम्पॉर्टेंट यर स्मॉल पॉइंट कैन कम इन द एग्जाम एंड तुम लोग ये इग्नोर कर सकते हो पॉइंट गुड्स लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉइड रिटर्न ऑफ डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑर फ्री सैंपल गुड्स लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉइड रिटर्न ऑफ एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाई वे ऑफ गिफ्ट ऑर फ्री सैंपल्स अगर समझो कि अगर गुड्स थे गुड्स आर लॉस्ड स्टोलन एंड डिस्ट्रॉयड उसके बाद राइट ऑफ हो गए और डिस्पोज ऑफ हो गए और गिफ्ट करके दे दिए इन दैट केस इस पर आई टी सी मिलेगा क्या तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं इस पर आई टी सी नहीं मिलेगा नहीं तो सब लोग यही करेंगे सब लोग यही करेंगे गुड्स परचेज करेंगे उसका आई टी सी लेंगे आई टी सी लेने के बाद वो ब्लैक में बेच देंगे कैश लेंगे और बोलेंगे और गुड्स लॉस्ट ऐसा नहीं चलेगा तो गुड्स लॉस्ट हो स्टोलन हो डिस्ट्रॉयड हो जो भी आई टी सी होगा वो क्या मिलेगा क्या होगा नहीं मिलेगा एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डिंग सेक्शन सेवेंटी फोर वन ट्वेंटी नाइन वन थर्टी तुम लोगों को ये इंटर में नहीं है बट तुम लोगों को बता देता हूँ शोकॉज नोटिस इशूड इन केस ऑफ फ्रॉड टू रिकवर द जी एस टी वन ट्वेंटी नाइन में लिखा है कि अगर डिटेंशन ऑफ गुड्स होता है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन वन ट्वेंटी नाइन है और टैक्स पेड वन द गुड्स और कन्वेन्स आर बींग कॉन्फिस्केटेड जबकि कन्वेन्स भी कॉन्फिस्केट हुआ जाता किया जाता है तो जब भी मैं वॉट एवर जी एस टी मैंने जो भी पे किया होता है उस पर मुझे आई टी से नहीं मिलता है इंटर के परस्पेक्टिव से नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सेक्शन ही तुम लोगों को नहीं है ठीक ये आगे का पार्ट फाइनल का है ओके और अपना एक सेक्शन बाकी रहता है दैट इज सेक्शन नंबर एटीन सेक्शन नंबर एटीन अपना बाकी है आफ्टर दैट uh, क्या बाकी है रूल थर्टी सेवन ए करके एक अमेंडमेंट बाकी है एंड रूल एटी सिक्स बी बाकी है So what we are going to do is, first of all, we'll finish this rule 86B. We'll take a break and then we will do 18 and 37A. ये दो ही sections बाकी हैं, तीन points बाकी हैं. Before break, we'll complete uh, 86B and then we'll do rest of the two sections. We'll be done with the other things. ठीक है, 86B पे सीधा आता हूँ. Because 18 थोड़ा सा important है, थोड़ा सा mind fresh चाहिए. So हम लोग 15 minute के break के बाद हम लोगों को continue करेंगे. But अभी 86B complete कर रहे हैं. देखो, वो पेमेंट ऑफ टैक्स में करेंगे ओके रूल एटी सिक्स बी इज टॉकिंग अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन क्लेमिंग आईटीसी देखो ये पॉइंट जो आया था ना ये पॉइंट जो आया था ना वो पॉइंट कोविड के टाइम पे आया था ठीक है कोविड के टाइम पे आया था ये पॉइंट कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा मांगेगा अगर गवर्नमेंट पैसा मांगता है तो लोगों से ही मांगता है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला मालूम है गवर्नमेंट ने बोला देखो मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मंथ है जून का आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है टेन लैक्स आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है टेन लैक्स आई है 12 लाख तो मुझे बता बिफोर 2021 क्या सीन था मालूम है आउटपुट टैक्स 10 लाख ले सकता हूँ बिकॉज मेरे पास सफिशियंटीसी है अगर एटी सिक्स बी में बोला देखो इवन दो यू हैव सफिश आईटीसी यू हैव सफिशियंट आई टीसी नॉट बी एबल टू क्लेम दर अमाउंट ऑफ आई टीसी बराबर आईटीसी तेरे पास 12 लाख का है बट इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 99 परसेंट ऑफ आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी व्हाट इज आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी 10 लाख इसका 99 नाइन परसेंट कितना है so it 9.9 पॉइंट नाइन सो इवन दो यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आईटीसी इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ नाइन नाइन परसेंट विच मीस इट विल बी नाइन लैक नाइनटी टैक्स लाइबिलिटी कम्स टू मतलब टोटल आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी कम्स टू टेन

से फॉर एग्जाम्पल आई एम इन द मंथ ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी में आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आता है सेवेंटीन लैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास है ट्वेंटी लैक्स का बट स्टिल एटी सिक्स बी के हिसाब से आई एम आई विल नॉट बी एबल टू टेक एंटायर आई टी सी वन परसेंट तो मुझे पे करना ही पड़ेगा बट इसका भी एक एक्सेप्शन है ना वॉट इज द एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या है तुम लोग देखना मैं डिसंबर में हूँ आइडेंटिफाई ऑल द फ्रॉम टिल इडेंटिफाई ऑल द मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टिल नवंबर तो क्यूमोलेटिवली गली तेरा आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितना है क्यूमुलेटिवली तेरा आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितना है क्यूमुलेटिवली मेरा आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी आता है ठीक है उन्होंने बोला क्यूमोलेटिवली तूने तूने अप्रिल से लेकर नवंबर तक क्यूमोलेटिवली कितना अमाउंट का तूने आई लिया एक महीने का नहीं है ये अप्रिल से लेकर नवंबर का वन पॉइंट फाइव करोड़

टिवली कितना तूने टैक्स पे किया था इफ दैट इज मोर देन वन परसेंट ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी सिक्स बी विल नॉट बी एप्लीकेबल सो मैंने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तुम लोगों को एक चीज इधर बताया वी आर स्टैंडिंग इन डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी चेक द क्यूमलेटिव अमाउंट ऑफ आउट टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट टिल नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी अब तक का डेटा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टैक्स पेड इन कैश टिल लास्ट मंथ

सेम चीज है 99 नाइन लैक्स एंड एवरी थिंग वन परसेंट इधर एटलीस्ट वन परसेंट पे करना है इधर मैंने एग्जाम्पल दिया अभी एक्सेप्शंस देखते हैं कि एक्सेप्शन मतलब बी किसको नहीं लगेगा वेयर द सेड पर्सन और प्रोपराइटर और करता मैनेजिंग डायरेक्टर एनी ऑफ इट्स टू होल टाइम मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एज द केस हैव पेड मोर देन वन लैक एज इनकम टैक्स इन द इन ईच ऑफ द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर क्या बोला उन्होंने अगर एक कंपनी है उसको एटी सिक्स भी लगता है पर अगर उसके डायरेक्टर ने अगर उसके प्रोपराइटर ने मतलब ऑफ़ कोर्स एच के केस में करता होगा कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर होगा अगर उन्होंने इनकम टैक्स पे किया ना सफिशिएंट अमाउंट का मोर देन वन लाख रुपीज एस इन ईच ऑफ द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयरस तो वो कंपनी को 86 भी नहीं लगेगा अगर वो डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को एज इनकम टैक्स पे किया है फॉर मोर देन वन लाख रुपीज इन ऑफ द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर देन इन दैट केस एटी सिक्स भी उनको नहीं लगेगा बिकॉज गवर्नमेंट को कैसे ना कैसे वे में पैसा चाहिए कंपनी के थ्रू पैसा चाहिए और मे बी उसके डायरेक्टर्स uh, के थ्रू पैसा पैसा चाहिए अगर किसी से भी पैसा मिला एटी सिक्स भी नहीं लगेगा ऐसा वो लोग बोल रहे हैं पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू वे द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड अ रिफंड ऑफ मोर देन वन लाख इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अन यूटिलाइज आई टी सी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और ड्यूटी स्ट्रक्चर इन्वर्टेड को इंटर में नहीं है इनवर्टेड सप्लाई रेटेड सप्लाई किया जो एस uh, सी को होगा या मे बी एक्सपोर्ट होगा इन दैट केस जो भी मेरा इनवर्ट सप्लाई हुआ था उसका मैं क्या कर सकता हूँ रिफंड ले सकता हूँ एंड इफ दैट रिफंड अमाउंट इज मोर देन वन लाख रुपीज एटी सिक्स बी विल नॉट बी एप्लीकेबल सी एटी सिक्स बी लगेगा ही कैसे एटी सिक्स भी मुझे लगेगा ही कैसे अगर मैं आउटवर्ड सप्लाई टैक्सीबल सप्लाई कर रहा हूँ फॉर मोर देन फॉर मोर देन फिफ्टी लाख रुपीज इधर एटी सिक्स भी लगेगा ही कैसे अगर एटी सिक्स भी लगेगा ही नहीं तो समझना एक बात को अगर एटी सिक्स भी नहीं लगेगा तो देर इज पॉसिबिलिटी नैट पर्सन इज मेकिंग एक्सपोर्ट एज वेल एज दैट पर्सन इज मेकिंग एक्सपोर्ट एंड इज मेकिंग सम सेल इन टैक्सेबल टेरिटरी दोनों हो सकता है राइट right? सो so, ये जो टैक्सेबल टेरिटरी का है, इसका बी, इफ इट इज मोर देन 50 लैक्स तो भी हो सकता है सो so, अगर वही बोला उन्होंने कि अगर तू एक्सपोर्ट कर रहा है और टैक्सेबल टेरिटी बेच रहा है टैक्सेबल टेरिटी का पर मंथ का पर uh, मंथ का टर्न कम्स टू मोर देन फिफ्टी लैक्स जो भी तूनेट मतलब जो इनवर्ट सप्लाई लिया होगा उसमें तुने रिफंड लिया होगा एक करोड़ एक लाख के ऊपर का तो उस पर मुझे एटी सिक्स एप्लीकेबल नहीं होगा पॉइंट नंबर एक्सेप्शन में ये पॉइंट आते हैं इंपॉर्टेंट है अभी देखो ये मैं तुम लोगों को बताया था ना वन परसेंट का पार्ट वो ये पार्ट है वेर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टूअर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ वन परसेंट ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अप्लाइड क्यूमलेटिवली द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ये तुम लोगों को पढ़ के तो थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट जाता है डिफिकल्ट जाता है तो आ, तुम लोगों को नहीं है विवेक ये फाइनल के लिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अभी स्ट्रेस मत लेना जि, जितना है उतना ध्यान देना करंट फाइनेंशियल ईयर में पढ़ने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है तो मैंने तुम लोगों को ये ऐसे एक्सप्लेन किया सो so, एग्जांपल से एक्सप्लेन करना बिकम्स इजी ओके करंट फाइनेंशियल ईयर नीचे आया ये कट करना आई डोंट नो तुम लोगों के इसमें आया कि नहीं बट आया होगा तो कट करना वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये लोगों को तुझे लगता है क्या एटी सिक्स भी लगेगा अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होगा नो एटी सिक्स भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नो एटी सिक्स भी लोकल अथॉरिटी नो एटी सिक्स भी स्टेट्यूटरी बॉडी नो एटी सिक्स भी हाउ एवर कमिश्नर कैन आइडेंटिफाई कि इनके लिए वो एटी सिक्स भी एप्लीकेबल होता है वो क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं मतलब ऊपर ये नहीं है इनके लिए तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है इनके लिए तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है पर ऊपर के जो पॉइंट्स है ऊपर के जो पॉइंट्स जो अगर मैं फॉर एग्जांपल हूं मैं धंधा कर रहा हूं मेरे लिए ए टी भी एप्लीकेबल होता है पर कमिश्नर डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं अमित को ए टी भी एप्लीकेबल नहीं करवाना है तो कर सकते नीचे का एक पॉइंट दिया बस दिस इज योर बी ज योर एटी सिक्स बी एंड 86B बी का जो मैंने पॉइंट तुम लोगों को बताया था अभी हम लोगों को दो सेक्शन करने हैं सेक्शन नंबर 18 एंड दूसरा है सेक्शन नंबर कौन सा बोला था मैंने थर्टी सेवन ए ये दो सेक्शन हम लोगों को करने हैं तो एक काम करेंगे विल नॉट टेक अ बिग ब्रेक हम मुझे इसके लिए चाहिए 40 मिनट फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स टू कंप्लीट दिस विल नॉट टेक अ बिग ब्रेक टेक अ क्विक ब्रीदर ऑफ फाइव मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट विद इट एंड उसके बाद हम लोग पांच सात मिनट का ब्रेक ले लो फटाफट और हम लोग दो बजे तक खत्म कर लेंगे विल ट्राई टू फिनिश इट बेटू क्लॉक तो तुम लोगों को लंच करना है तो तुम लोग बाद में कर सकते हो ब्रेक नहीं चाहिए मुझे क्या मैं तो अभी खत्म करता हूं ठीक है टेक अ ब्रेक ऑफ फाइव मिनट्स देन विल स्टार्ट एट वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी को विल we'll स्टार्ट Ciao guys, everybody back. ओके, सो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ टू सेक्शंस द दो सेक्शंस अपने बाकी है बाकी तो सब अपना कंप्लीट हो चुका है टू थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ दैट इज सेक्शन नंबर एटीन एटीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड द सेकंड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज अमेंडमेंट विच वॉज देर इन द लास्ट अटैप्टैट इज रूल थर्टी ए पूरा फोकस करना कि रूल एटीन क्या बात सेक्शन uh, एटीन क्या बात करता है एक्चुअली सेक्शन एटीन में इधर से जिक्र करता हूँ सी एटीन वन एक मिनट हैंड रिटन नोट्स अपने और बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा तुम लोगों का इसमें से Okay. तो ये ना छोटे से थोड़े थोड़े मेरे पास मास्टर चार्ट्स अवेलेबल है एंड बेसिस मास्टर चार्ट्स वी विल बी टू कवर दिस 18 तो थ्री बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी और एक एटीन सिक्स करके दर इज वन मोर वन मोर सेक्शन सब लोग फोकस करना वन में क्या बात करता है फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी टॉकिंग अबाउट जीरो टू हीरो

ITC का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ITC के पर्सपेक्टिव से तुम लोगों को सोचना है इन दिस इन दिस केस देखो आई वाज अंडर अ कंपोजिशन स्कीम टिल 77 2022 एंड आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू अ रेगुलर स्कीम 7722 के पहले कंपोजिशन में था तो तुम लोगों की मुझे एक चीज सोच के बताओ अगर मैंने इफ आई हैव परचेस्ड सर्टेन गुड्स प्रायर टू 7722 आई मस्ट नॉट हैव टेकन द आईटीसी ऑन दैट आई मस्ट नॉट है आई टी सी ऑन दैट अगर मैंने कुछ परचेस किया है अगर मैंने कुछ परचेस किया है समझ वन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को आई मस्ट नॉट है आई टी सी ऑन दैट बिकॉज बिकॉज मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूं बट माई पॉइंट इज कि मैंने कुछ इनपुट परचेज किए थे आफ्टर परचेसिंग दोज इनपुट मैं गवर्नमेंट को जाके बोल रहा हूं कि ये देखो आई हैड परचेस्ड हंड्रेड यूनिट्स

मैं जब भी रेगुलर स्कीम में रहूंगा तभी मैं ये आईटीसी यूज कर पाऊंगा एटी सॉरी गुड यूज कर पाऊंगा एटी यूनिट्स के सो कैन आई से एटीटिंग यूनिट्स आई एम यूजिंग व्हेन आई एम इन द रेगुलर स्कीम सो मुझे आईटीसी मिलना चाहिए जो आईटीसी मैंने नहीं लिया होगा पहले एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट नो प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू टेक द आई टी सी फॉर दोज गुड्स फॉर विच यू हैड है आई टी सी अर्लियर बट दोज गुड्स आर इन स्टॉक राइट नाउ सो उसका तो आई टी सी ले सकता है ओके, okay. बट इसमें भी एक कंडीशन है कि ये जो दिन पे आईटीसी लेना है वो कितने पहले का मैं आईटीसी ले सकता हूं तो उन्होंने बोला कि जब भी कन्वर्जन हुआ फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू रेगुलर, उधर से वन ईयर प्रायर वन ईयर प्रायर जो जो इन्वॉइस रेज हुए जो जो गुड्स तेने इन्वर्ड सप्लाई किए जो मेरे स्टॉक में है करंटली उसका ही तुझे क्या मिलने वाला है आईटीसी मिलने वाला है उसका ही तुझे क्या मिलने वाला है आईटीसी मिलने वाला है इफ द इनवॉइसिस हैव बीन रेज वन ईयर प्रायर मतलब तीन साल पहले कुछ मैंने परचेस किया था थ्री इयर प्रायर आई हेड परचेज सर्टन गुड्स और जो गुड्स मैं अभी भी मेरे पास स्टॉक में है उसका मुझे आई नहीं मिलेगा बिकॉज विद इन वन ईयर का ही मुझे क्या मिलता है आई मिलता है इनपुट्स के बारे में देखो तो गुड्स परचेस्ड प्रायर टू सेवन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी का आईटीसी मिलेगा फॉर द इनपुट्स विच आर लाइंग इन स्टॉक सो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स नो आई टी सी ऑन इनपुट सर्विसेज नो आई टी सी ऑन इनपुट सर्विसेज परफेक्ट है बिकॉज इनपुट सर्विस ऐसे अज्यूम होता है कि जब भी लिया तभी यूटिलाइज हो जाएगा तो इसकी वजह से पहले कभी इनपुट सर्विस दिया होगा तो उसका मुझे कभी भी आई टी सी नहीं मिलता है उसका नो आई टी सी इफ द इनवॉयस इज रेस्ड बियॉन्ड वन ईयर इफ द इनवॉइस इज रेज बियॉन्ड वन ईयर नो आई टी सी इफ द इनवॉयस इज रेज बियड वन ईयर हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ओके okay. अभी हम लोग बात करेंगे कैपिटल गुड्स का फुल फोकस एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन योर देर इज एन अजम्प्शन दैट इफ यू परचेज अ कैपिटल गुड्स यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर फाइव ईयर्स विच मीन सिक्सटी मंथ्स सिक्सटी मंथ्स के लिए यू आर गोइंग टू यूज दो कैपिटल गुड्स ऐसे अजम्प्शन होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल सेवन सेवन ट्वेंटी टू को तो आई कन्वर्टेड फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम राइट ये तो हम लोगों को मालूम है अभी अभी देखना वॉट इफ आई हैड परचेस्ड अ कैपिटल गुड्स परचेज कैपिटल गुड्स ऑन वन फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी 1, 5, 2020, actually, बात करते। मैं composition में था 1, 5, 2020 में मैंने किए थे गुड्स और उस पर आई था बिकॉज आई वॉज अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम बट द पॉइंट इट इज गोइंग टू यूज इट फॉर फाइव राइट सो इधर से पांच साल कभी आते ट्वेंटी वन लेते हैं ये ट्वेंटी इधर से पांच साल कंप्लीट होते हैं वन फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स को सो कैन आई से ये पूरा कैपिटल गुड्स का लाइफ है ये लाइफ में इतना जो पार्ट है ना इतना पार्ट I was under composition scheme, so which means इतने out of सिक्सटी months इतने पार्ट्स में या इतने पार्ट के लिए तुझे ITC नहीं मिलेगा बट कैन आई से इतने पार्ट के लिए आई विल बी एलिजिबल फॉर आई टी सी एवरीबडी इन द चैट प्लीज सिक्सटी मंथ्स के सेवन सेवन के बाद का जितना जितने भी जितना भी पीरियड है उतने पीरियड के लिए आई एम एलिजिबल फॉर आई टी सी एब्सोल्यूटली राइट तो मुझे उसका तो आई टी सी मिलना चाहिए बराबर मिलना चाहिए हैव आई ऑलरेडी टेकन एनी आई टी सी नो बिकॉज वेन आई परचेज द गुड आई वॉज अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम सो आई हैव नॉट टेकन द आई टी सी ऑन दैट अगर मैंने आईटीसी नहीं लिया है अगर कौन से गुड्स का तो कैन आई से आई शुड टेक द आईटीसी राइट नाउ यस आई शुड टेक द आईटीसी राइट नाउ द क्वेश्चन इज सर अभी तो जो मैंने परचेस किया था वो परचेस मैंने किया था और जिसपे जीएसटी पे GSTP किया था दस लाख रुपए का सो so, दस लाख रुपए का तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा सो so, टेन लाख रुपीज में से मुझे इन एलिजिबल कॉम्पोनेंट बाहर निकालना पड़ेगा सिक्सटी मंथ्स में से इन एलिजिबल कॉम्पोनेंट बाहर निकालना पड़ेगा जितना मेरा कॉम्पोजेशन स्कीम के लिए यूज हुआ है ना हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पीरियड इज द क्वेश्चन तेरे पास एक से से कि ठीक है ना लेकर तो जितने महीने कंप्यूटर थे वो कंप्यूट कर ले और तुझे आंसर मिल जाएगा पर गवर्नमेंट सेट की नहीं ऐसा नहीं करेंगे इवन ओके दे सेट कि हम लोग क्वार्टर वाइज आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे क्वार्टर वाइज मतलब क्या जितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स यू यूज्ड इट फॉर कॉम्पोजेशन स्कीम उतने क्वार्टर्स का हम लोग क्या करेंगे प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करेंगे इसका मतलब क्या नाउ क्वार्टरवाइज मतलब तुम लोगों को मालूम है है एक क्वार्टर का होता बराबर तो इधर से इधर गलती करते हैं बहुत लोगों की गलती देखिए लेकर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च दिस इज फिक्स्ड टिफाई दिस मंथ इज फॉलिंग अंडर विच क्वार्टर सो कहना से वन फाइव ट्वेंटी मतलब इट इज फॉलिंग अंडर एप्रिल जून अप्रिले क्वार्टर वन वन डे भी यूज किया ना मैंने कॉम्पोजिशन के लिए तो भी क्या माना जाएगा तो भी माना जाएगा आई यूज इट फॉर द एंटायर क्वार्टर सो वन फाइव से मैंने स्टार्ट किया है विच मीन मेरा क्वार्टर क्वार्टर वन तो आ गया ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू क्वार्टर वन क्वार्टर टू वो भी आ जाएगा क्वार्टर थ्री भी आएगा क्वार्टर फोर भी आएगा मतलब थर्टी फर्स्ट मार्च तक तो हम लोग इधर आ गए उसके बाद आगे का बात करते हैं क्वार्टर वन आएगा क्या अप्रैल में जून यस अभी क्वेश्चन है सर वो क्वार्टर टू आएगा क्या मेरा क्वेश्चन ये है इसमें क्वार्टर टू आएगा क्या साथ ही दिन यूज किया है क्वार्टर टू का साथ दिन यूज किया क्वार्टर टू का यस yes, इसमें क्वार्टर टू भी आएगा बिकॉज पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड एज फुल मंथ सो बेसिकली फॉर हाउ मेनी हाउ मेनी इन एलिजिबल क्वार्टर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स इन एलिजिबल क्वार्टर सो एवरी क्वार्टर का फाइव परसेंट एवरी क्वार्टर का फाइव परसेंट सो फाइव परसेंट पर क्वार्टर मतलब फाइव परसेंट इन टू सिक्स क्वार्ट कितना आता है थर्टी परसेंट सो थर्टी परसेंट कम्स टू थ्री लैक्स एंड एलिजिबल आईटीसी कितना बनेगा सेवन लाख एलिजिबल आईटीसी कितना बनेगा सेवन लाख करेक्ट है ये कैपिटल गुड्स का पार्ट है ये दोस्त कैपिटल गुड्स का पार्ट है कॉम्पोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम का मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन नंबर 18 सिंपल एकदम ओके सेम चीज सेम ट्रीटमेंट इज एप्लीकेबल टू एक्जेम टू टैक्सेबल देखना सेम तो है पहले एग्जाम था अभी टैक्सेबल हो गया ट्रीटमेंट शुड बी द सेम बिकॉज व्हेन आई वाज अंडर व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग एग्जाम सप्लाई तभी मैंने कुछ इनपुट्स परचेज किया कैपिटल गुड्स परचेज किया तभी आई मस्ट नॉट हैव टेकन द आईटीसी ऑफ दैट सो इनपुट्स परचेज किया सेम जो मेरे जो मेरे आ, आ, क्या स्टॉक में है वन डे प्रायर टू कन्वर्जन उस पर मुझे क्या मिलेगा मुझे इस पे मुझे आई मिल जाएगा उसमें भी एक साल सब कुछ सेम सब कुछ सेम सेम एज वन इज़ द आंसर कैपिटल गुड्स के लिए भी सेम है एंड uh, अपना इनपुट्स uh, के लिए भी सेम है इनपुट सर्विस वैसे भी नहीं मिलता सर यू आर पी टू आरपी में दर इज वन डिफरेंस यू आर पी टू आर पी मतलब क्या वेन आई आई एम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन आई एम बिकमिंग अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन सेवन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी रजिस्टर्ड पर्सन तो उसके पहले मैंने जो भी परचेज किया होगा उसका मुझे आई टी सी नहीं मिला होगा पर अभी फ्रॉम सेवन सेवन ट्वेंटी मुझे आई टी सी मिलना चाहिए पर इसमें एक चेंज है इस पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इनपुट्स अलाउ किया है इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स अलाउ नहीं किए हैं इनपुट्स सिर्फ अलाउ किया है इनपुट सर्विस का नहीं कैपिटल गुड्स का नहीं नाउ इसमें सिर्फ एक चीज आता है दैट डेक्लरेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म जी आई टी सी जीरो वन अगर तू एक इफ यू आर बिकमिंग अ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफकोर्स तो तुझे एक डेक्लेन देना पड़ेगा इन जी एस टी आई टी सी जीरो वन इफ द वैल्यू ऑफ आई टी सी इज मोर देन टू लैख रुपीज सर्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट डिक्लेरेशन तो देना ही अगर अगर है अगर वैल्यू का वैल्यू अगर ज्यादा है टैक्स का तो मुझे सर्टिफाई भी करवाना पड़ेगा फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंट और और कॉस्ट सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा राइट right? कि बराबर अमाउंट का आईटीसी रजिस्टर्ड पर्सन को मिल रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर सर्टिफिकेट से क्लियर हो जाएगा फ्रॉम सीए और सीएमए ठीक है ओके नाउ व्हाट इज द व्हाट इज द समरी ऑफ द फर्स्ट पार्ट जीरो टू हीरो जीरो मतलब कॉम्पोजिशन टू रजिस्टर रेग्युलर एग्जेप्ट टू टैक्सेबल अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड अभी देखना इनपुट्स के केस में विद इन वन ईयर के जो भी इनपुट्स होंगे उसका आई टी सी मिलेगा विचार इन स्टॉक इनपुट सर्विस का नहीं मिलेगा एंड कैपिटल गुड्स के केस में क्वार्टरली बेसिस पे मिल जाएगा एग्जेप्ट टू टर्न ओवर के केस में सॉरी एग्जेप्ट टू टैक्सेबल के केस में सेम एज इनपुट्स सेम एज इनपुट्स सेम एज इनपुट्स सेम एज फर्स्ट सॉरी सेम एज दिस इनपुट सेम दिस उसके बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन जब हो रहा है तभी इनपुट्स का मिल जाएगा इनपुट सर्विस का वैसे भी नहीं मिलता है एंड कैपिटल गुड्स का कर दिया करेक्ट दिस इज योर फर्स्ट पार्ट दिस इज योर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एकदम सिंपल है ए अमलगमेट होके बी में जा रहा है अगर ए अमलगमेट होके बी में जा रहा है तो ए के पास जो आईटीसी है विल दैट आईटीसी बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी विल दैट आईटीसी बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी द आंसर इज यस ऑफ कोर्स अभी ए कंपनी ही बंद हो रहा है तो ए के पास जो आईटीसी है वो क्या होने वाला है ट्रांसफर होने वाला है राइट सो बी को ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद जीएसटी आईटीसी जीरो टू फाइल करना पड़ेगा होता क्या है कॉमन पोर्टल पे जाके रिक्वेस्ट डालना पड़ता है फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट जो ट्रांसफर ही होता है ना बी उसको बी को कॉमन uh, पोर्टल uh, पे जाके वो एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ आई वॉन्ट टू गेट द आई टी सी ट्रांसफर्ड ठीक है ऑल्सो सबमिट द डेक्लेन बाई सी एर सी एम मतलब हो रहा है कि नहीं ये पूछने के लिए ठीक है यह भी तेरा क्लियर हो गया एकदम मस्त ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर सेकंड पॉइंट क्लियर अभी बहुत छोटा सा पार्ट तुम तो लोगों का बाकी है दैट इज पॉइंट नंबर थ्री ये अभी पूरा खोपड़ी उल्टा करना पड़ेगा स तुम लोग समझना पार्ट में एक्टली exactly उल्टा है हम लोग ने पहले क्या देखा था जीरो टू हीरोग्यूलर स्कीम नाउ यू आर गोइंग इन कॉम्पोजिशन स्कीम तो रेग्युलर स्कीम में है आई टी सी लिया है अभी तो कॉम्पोजिशन में जा रहा है तो एक टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है नाव यू आर गोइंग इन टू एग्जाम सप्लाई गिविंग एग्जाम सप्लाई आफ्टर दैट

When you will be in the composition scheme, 60 units will be utilized. So can I say 60 units का तुझे ITC टी सी नहीं मिलना चाहिए तुमने ऑलरेडी लिया है yes, तो 60 units का मुझे reversal करना पड़ेगा 60 units का मुझे reversal करना पड़ेगा ठीक है नो प्रॉब्लम ओके तो ये देखो इनपुट्स रिवर्स आई टी सी ऑफ गुड्स इन स्टॉक तो ये क्या करूंगा मैं रिवर्स करूंगा ठीक है ओके अभी देखते हैं कैपिटल गुड्स का देखो वन को आईटीजी ले लिया वन फाइव नाइनटीन को कैपिटल गुड्स परचेज किया सो देर इजम्पन दैट यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर फाइव इबार्ट होंगे से लेके, साल के लिए होगा? अभी आई हेव टेकन द आई टी सी ऑफ वन लाख रुपीज ऑन कैपिटल गुड्स द टोटल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स दिस इज द टोटल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स जिसमें से ये जो पीरियड है ना दिस इज एलिजिबल पीरियड इसका तो मुझे आई टी सी मिलना ही चाहिए जो मैंने ऑलरेडी लिया है प्रॉब्लम यह है कि मैंने इसका भी आई टी सी लिया है विच इज इन एलिजिबल एवरीबडी अग्रीज आई हैव ऑलरेडी टेकन द आईटीसी ऑफ द राइट हैंड साइड वाला इन एलिजिबल पार्ट जिसका मुझे कभी भी आईटीसी नहीं मिलना चाहिए तो इधर मेरा क्या होगा मानो मैं इधर होगा आईटीसी का रिवर्सल इधर होगा आईटीसी का रिवर्सल जो मैंने एक लाख लिया है विध इट वाज विद अ कंडीशन दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर फाइव इयर्स बट आई एम नॉट गोइंग टू आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर फाइव आई डिड नॉट यूज़ इट फॉर फाइव इयर्स उसके पहले ही मैंने बेच दिया तो मुझे जितना आ, आ, जितना आई टी इज़ इन एलिजिबल उतना मुझे रिवर्स करना पड़ेगा

तो इसके वजह से इधर मंथ वाइज रिवर्सल करना है मंथ वाइज कैसे रिवर्सल करेंगे देखो मैं तुम लोगों को इधर एक बात बताता हूँ कैपिटल गुड्स यूज फॉर फाइव मंथ्स एंड टू डेज कैपिटल गुड्स यूज फॉर फाइव मंथ्स एंड टू डेज मतलब एलिजिबल इज ओनली फाइव मंथ्स एंड टू डेज आफ्टर आउट ऑफ सिक्सटी मंथ्स फॉर अ टैक्सेबल सप्लाई सिक्सटी मंथ्स में से मैंने मतलब सिक्स मंथ्स के लिए यूज किया है एलिजिबल के लिए मतलब कहना से इन एलिजिबल के लिए मैंने कितना यूज किया है फिफ्टी फोर मंथ्स राइट सो जितना मैंने आईटीसी ऑलरेडी लिया है फॉर एग्जांपल वन मंथ वन लैख इनटू टू फिफ्टी फोर अपन सिक्सटी इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ रिवर्सल दिस इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ रिवर्सल एवरीबडी क्लियर आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल टू ट्राई ऑन योर ओन देखो कन्वर्जन फ्राम रेग्युलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम कन्वर्जन फ्राम रेग्युलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम देखो रेग्युलर टू कम्पोजिशन स्कीम ऑन सेवन सेवन ट्वेंटी यू कन्वर्टेड फ्रॉम रेग्युलर टू कम्पोजिशन स्कीम आई टी सी मैंने अवेल किया टेन लैक्स का आई परचेज द कैपिटल गुड्स ऑन वन सेवन ट्वेंटी इन एलिजिबल मन तुम लोगों को ऑलरेडी दे दिया है मैंने कितने इन एलिजिबल मंस हैं कैन यू टेल मी द रिवर्सल अमाउंट इन एलिजिबल मन ऑलरेडी दिया है मैं तुम लोगों को चलो डिलीट करता हूँ यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द इन एलिजिबल मंस एंड लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ रिवर्सल वो तो कहना तो क्या कैलकुलेशन होता सिर्फ सब लोग ट्राई करेंगे सबका बढ़ो आगे सब लोगों ने किया दिस कैन बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू बिकॉज सब परमिटेशन कॉम्बिनेशन जितने भी है वो सब इसमें कवर हो जाते हैं ठीक है ओके अभी ध्यान देना 186 पे बात करते हैं 186 एटीन सिक्स पे बात करते एटीन सिक्स अपना एटीन का लास्ट सेक्शन होगा फोकस करना एटीन सिक्स बात करते हैं इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन परचेसेस द कैपिटल गुड्स आईटीसी इज अवेलेबल विथ अ कंडीशन ज द कैपिल गुड्स फॉर फाइव पूरा का पूरा पॉइंट है ना मैं बहुत सेल्फ एक्सप्लेटरी वे में रजिस्टर्ड पर्सन ने कैपिटल गुड्स परचेज किए तो कैपिटल गुड्स परचेज किए तो आई टी सी इज अवेलेबल विदीशन दैट ही यूज इज द कैपिटल गुड्स फॉर फाइव ईयरस आंसर फॉर द क्वेश्चन अभी क्या माइनस माइनस करना है इसमें क्या आंसर देना चाहिए क्या यार क्या कर रहा है यार ले भई ले अरे ठीक है देख डन So, <laughs> if a registered person purchases a capital goods, ITC is available with the condition that he uses the capital goods for five years.

अगर वो फाइव इयर्स के अंदर अंदर मैंने सेल कर दिया देन इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा रिवर्सल करना पड़ेगा अगर मुझे पाँच साल तक यूज अगर मैंने कैपिटल गुड्स परचेस किया आई हैव टू यूज इट फॉर फाइव इयर्स इफ़ आई डोंट यूज़ इट फॉर फाइव इयर्स देन जितना पीरियड मैंने यूज़ नहीं किया आउट ऑफ फाइव ईयर्स मुझे क्या करना है मुझे करना है रिवर्सल ऑफ दैट पीरियड जो मैंने विद इन फाइव जितना फाइव ईयर्स तक मैंने यूज़ नहीं मतलब जितना फाइव ईयर यूज़ किया परफेक्ट है जितना नहीं किया उतना मुझे रिवर्स करना पड़ेगा करेक्ट है सो इफ ही सेल्स द कैपिटल गुड्स विद इन फाइव इयर्स रजिस्टर्ड पर्सन विल हैव है आई टी सी फॉर द पीरियड फॉर विच ही डिड नॉट यूज आउट ऑफ फाइव इज दैट इज सिक्सटी मंथ्स करेक्ट है ओके जो तुम लोगों को मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था कि जो सोशल मीडिया पे जो लोग बोलते हैं कि अरे दिस इज़ द बेस्ट वे एक काम करो फोन जो है फ़ोन परचेस करो फोन परचेस करने के बाद तुम लोग उसका आई टी ले सकते हो और तुम लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा बिकॉज यू विल बी एबल टू यूज द आई टी अरे मैंने मैंने बोला अरे भाई इट इज़ अ कैपिटल गुड कैपिटल गुड्स इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर फाइव ईयर्स अगर तुने पाँच साल तक तो यूज नहीं किया अगर से, for, सेकेंड ईयर में ही बेच दिया कैपिटल गुड्स तो तुझे चार साल का जो आई है वो रिवर्स करना पड़ेगा दिस नो बडी टेल्स यू नो बडी टेली तुम लोगों को समझना है कितना विश्वास रखना है पूरा रिसर्च करके किसी पे भी विश्वास रखना बिकॉज इस पर आधा 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 इन्फॉर्मेशन बहुत दिया जाता है अकॉर्डिंग टू मी आधा इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए देना है तो पूरा देना चाहिए और अगर अगर कुछ भी लिखना होगा ना कि अगर कैप्शन में लिखा है तो कैप्शन में लिखा है ये लिखो किधर तो कि प्लीज लुक एट द कैप्शन राइट सो अदरवाइज ने होता क्या है कि अभी एक स्टूडेंट मेरे पास आया था एक से डेढ़ साल पहले और बोलते कि नहीं नहीं सर मैंने पे पे वीडियो देखा है। पे देखा है तो पूरा का पूरा मुझे मिल तो पांच साल तक का लाइफ है पांच साल तक अगर तूने तो यूज किया वेरी गुड तुझे मिल जाएगा अगर तूने पांच साल तक यूज नहीं किया तो जितना तूने यूज नहीं किया है उतना तुझे रिवर्सल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा ठीक है ना So, अभी इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये एग्जाम्पल ही समझना इंपॉर्टेंट इजीली समझ में आ जाएगा तुम लोगों को देखो अमित महाजन ने ट्वेंटी इलेवन टू थाउजेंड नाइनटीन को मिस्टर अमित महाजन परचेस्ड कैपिटल गुड्स ठीक है मैंने कैपिटल गुड्स परचेज किए टेन लैक्स एंड उस पर जीएसटी पे किया वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड अवेल्ड मैंने जीएसटी अवेल भी कर दिया यूटिलाइज भी कर दिया वेरी गुड फोर फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को मिस्टर अमित महाजन सप्लाइड सच कैपिटल गुड्स टू मिस्टर एक्स वाई फॉर नंबर वन फाइव लाख फिफ्टी नंबर टू नाइन लैख नंबर थ्री फोर लाख रुपीस पॉइंट ऐसा है कि परचेज तो किया था ट्वेंटी इलेवन पे मैंने आईटीसी अवेल भी कर दिया वन लाख ट्वेंटी का बट ये जो आईटीसी था दिस वाज विद अ कंडीशन दैट आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर फाइव ईयर राइट बट डिड आई यूज इट फॉर फाइव ईयर फोर फोर ट्वेंटी वन को मैंने बेच दिया अगर फोर फोर ट्वेंटी वन को अगर मैंने बेच दिया है सो कैन आई से आई डिड नॉट यूज इट फॉर फाइव ईयर करेक्ट है तो जितना मैंने यूज किया है उतना तो मेरा एलिजिबल आईटीसी है एवरीबडी अग्रीज जितना मैंने यूज़ किया है उतना तो मेरा एलिजिबल आईटीसी है पर जितना मैंने यूज नहीं किया है उतना मेरा इन एलिजिबल आई बन जाएगा अगर मेरा उतना इन एलिजिबल आई है तो कितने कितना पीरियड के लिए इन एलिजिबल सी आई तो मैंने अवेल कर दिया है आई विल नॉट टॉक अबाउट अवेलिंग द आई टीसी आई विल टॉक अबाउट रिवर्सल ऑफ आई टी बिकॉज मेरे जो आई लिया है वो गलत लिया है मुझे रिवर्स करना है भाई आईटीसी थोड़ा सा और कितना रिवर्स करूंगा जितना पांच साल में से जितना यूज नहीं किया मैंने उतने पीरियड का आई विल डू द रिवर्सल ऑफ आई टी सी अंडरस्टैंडिंग नो प्रॉब्लम तो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस ये हम लोगों को पहले समझना है तो so उन्होंने सेम चीज वही बोला है दैट पर क्वार्टर आइडेंटिफाई करना चालू करो पर क्वार्टर आइडेंटिफाई करना चालू करो मुझे क्या निकालना है मुझे कैन कैन टेल मी मुझे क्या निकालना है एलिजिबल आई टी से निकलना है या इन एलिजिबल आई टी से निकलना है सॉरी एलिजिबल पीरियड निकालना है या इन एलिजिबल पीरियड निकालना है रिवर्सल के लिए मुझे एलिजिबल पीरियड निकालना है कि इन एलिजिबल मैटर्स द मोस्ट टू मी एलिजिबल मैटर्स एलिजिबल तो वी नो एलिजिबल तो वैसे ही रखेंगे जितना ineligible है ना उतना ineligible में क्या तो करूंगा? करूंगा. Right? So कैसे निकालेंगे ये देखो तेरा इन एलिजिबल पीरियड है और आउटवर्ड लाइबिलिटी विच एवर इज हायर इन एलिजिबल आईटीसी और आउटवर्ड लाइबिलिटी मतलब क्या जो मैंने बेचा ना विद इन फाइव बेचा उस पे अगर जीएसटी लगाते तो कितना जीएसटी आएगा वो आउटवर्ड लाइबिलिटी इधर और इन एलिजिबल आई टी सी विच एवर इज हायर अंडरस्टैंडिंग सो इन एलिजिबल कैसे निकालेंगे हम इन एलिजिबल निकालने के लिए इन एलिजिबल पीरियड निकालना पड़ेगा इन एलिजिबल पीरियड कैसे निकालेंगे वो होगा वाइज वो होगा क्वार्टर वाइज क्वार्टर वाइज मतलब इधर से ट्वेंटी इलेवन नाइनटीन से लेके फोर फोर ट्वेंटी वन तक पर क्वार्टर फाइव परसेंट के हिसाब से कितना परसेंटेज ऑफ द आई इज इन एलिजिबल कैन संबड इट ट्राई एंड आईडेंटिफाई दिस सॉरी ट्वेंटी इलेवन नाइनटीन से लेके फोर फोर ट्वेंटी वन तक दिस पीरियड विल बी एलिजिबल सो एलिजिबल पीरियड अगर हम लोग ने पूरे आईटीसी में से माइनस कर दिया आई विल गेट इन एलिजिबल आईटीसी टोटल आईटीसी में से एलिजिबल पीरियड का परसेंटेज माइनस कर दिया आई विल गेट वॉट टोटल इन एलिजिबल आईटीसी एवरीबडी करेक्ट विश्व कैन समबडी टेल मी कितना परसेंटेज एलिजिबल आईटीसी है कितना परसेंटेज एलिजिबल आईटीसी है जो मैं माइनस करूंगा फ्रॉम टोटल आईटीसी पर क्वार्टर पर क्वार्टर आइडेंटिफाई करना है एटीन सिक्स में एटीन सिक्स में पर क्वार्टर आइडेंटिफाई करना ओके सो okay. so, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना एलिजिबल पीरियड है सी 2011 2019 मतलब इट इज फॉलिंग अंडर विच क्वार्टर इट इज फॉलिंग अंडर क्वार्टर नंबर थ्री ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 ट्वेंटी क्वार्टर नंबर थ्री ऑफ फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी बराबर है उसके बाद क्वार्टर फोर भी आएगा फॉर फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी खत्म ट्वेंटी ट्वेंटी क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर दिस इज ट्वेंटी ट्वेंटी वन अभी ट्वेंटी वन के भी चार दिन है मतलब और एक क्वार्टर आ गया सो टोटल हाउ मेनी क्वार्टर्स आर एलिजिबल वन थ्री फोर फाइव मिलना ही चाहिए एंड एवरी क्वार्टर फाइव परसेंट एवरी क्वार्टर फाइव परसेंट तो देखो सेवन क्वार्टर लाख ट्वेंटी थाउजेंड इज दईटीसी माइनस एलिजिबल का पीरियड माइनस किया सो फाइव सेवन क्वार्टर इंटू फाइव परसेंट कम्स टू 78,000. बट ये मैं कंपेयर किससे करूंगा जो outward supply किया ना मैंने को बेचा बेचा? बेचा। कितने में बेचा? First situation, 5, 50 में जीएसटी रेट कितना है आई थिंक 18% परसेंट जीएसटी रेट मैंने लिया है सो so, बराबर ना 5 lakh 50 पे 18% करो एक बार बराबर फिफ्टी भी एटी एटीन परसेंट इफ आई डू आई विल गेट नाइनटी नाइन थाउजेंड रुपीज बराबर सो नाइनटी नाइन थाउजेंड रुपीज क्या कैसे रिवर्सल कैसे होगा इन एलिजिबल आईटीसी और आउटवर्ड लाइब्रेट विच एवरेज हायर बराबर सो इधर कितना higher, no है सेवेंटी एट थाउजेंड और नाइनटी नाइन थाउजेंड विच एवरेज हायर कम्स टू नाइनटी नाइन थाउजेंड करेक्ट नो प्रॉब्लम सेकेंड सिचुएशन लेते हैं तो कैन सेम ही रहेगा सेवनटी एट ये सिर्फ नाइन लाख रुपीज पे एटीन परसेंट आएगा इट विल कम टू वन लाख सिक्सटी टू विच एवर इज हायर कम्स टू वन लाख सिक्सटी टू तो रिवर्सल कितना आएगा वन लाख सिक्सटी टू दूसरा थर्ड थर्ड कितने बेचा फोर लाख में बेचा बेचाटी एट थाउजेंड और फोर लैक्स इंटू एटीन परसेंट विच एवरेज हायर कम्स टू सेवेंटी एट थाउजेंड जस्ट डू दिस चार्ट एटीन सिक्स और ये मैं चार्ट दूंगा तुम लोगों को मैं अभी के अभी के जैसे लेक्चर खत्म होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप के तुम लोगों को ये चार्ट मिल जाएंगे तुम लोगों को दे दूंगा मैं चार्ट टेंशन न को एटीन सिक्स में इतना करके जाओ इट इज मोर देन इनफ इजी था एकदम पक्का इजी था सेक्शन एटीन एक्सेलेंट नाउ वन लास्ट पॉइंट इज लेफ्ट दैट इज सर इधर ही है अमेंडमेंट्स में आएगा रूल नंबर थर्टी सेवन ए मस्त पॉइंट है एकदम मजा आएगा चलो इज एवरीबडी रेडी फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ आई टी सी नहीं नहीं इसके बाद हम लोगों को प्लेस ऑफ सप्लाई भी करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई भी करना है चलो स्टार्ट कर दे ये रूल नंबर थर्टी सेवन लास्ट टाइम आया था एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ एनी लैंग्वेज लैंग्वेज मुझे यूज ही नहीं करना है इसमें बिकॉज एक बार लैंग्वेज यूज किया ना तुम लोग क्या हो जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे कुछ जरूरत नहीं है लैंग्वेज यूज करने का बिकॉज इधर ना पूरा का पूरा गेम तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग पे है और लास्ट टाइम इस पे क्वेश्चन पूछा था सी एस सी ए में दोनों के लिए एक क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है वापस एग्जाम में राइट ओके okay, देखो रूल क्या बात करता है अभी तक हम लोग ने क्या रिमेंबर मैंने कोहली ने पेमेंट किया होगा को, जब तक धोनी गवर्नमेंट को जाके पे नहीं करता तब तक कोहली को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा तब तक कोहली को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा इसका हम लोग ने पॉइंट देखा था राइट right? अभी देखना सबसे पहले मैं सप्लायर का बात करता हूं सप्लायर सप्लाईज गुड्स

सितंबर का अगर बात होगा तो अक्टूबर के इलेवेंथ के पहले इलेवेंथ के पहले जीएसटी आर वन नीड्स टू बी फाइल्ड बाय दिस सप्लायर बराबर एकदम ओके सो उसने 10 -10 -2023 को जीएसटी आर वन फाइल कर दिया और मैंने पेमेंट भी कर दिया है ठीक है ये पेमेंट भी मैंने कर दिया है कैन आई से दैट को अगर जीएसटीआर वन फाइल किया होगा तो मेरे जीएसटीआर टू भी में रिफ्लेक्ट हुआ होगा

मेरा एक अजम्पन होगा कि भाई ये तो जीएसटीआर टू बी में आ गया मतलब मैं एलिजिबल फॉर आईटीसी मैंने जीएसटी भी पे कर दिया है जीएसटीआर टू भी में आ गया सो so इसका मतलब मैं आईटीसी के लिए एलिजिबल हूं एंड आई एम आई विल टेक द आईटीसी सो उसने रेसिपेंट ने क्या किया ट्वेंटी थ्री जीएसटी आर थ्री भी फाइल कर दिया एंड आई टी सी अवेल कर दिया जीएसटीआर थ्री भी फाइल कर दिया एंड आई टी सी अवेल कर दिया अगर आई टी सी अवेल किया होगा ना दोस्त तो प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है बाद में उसको समझा को अरे बाबा इसने तो अब तक गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया है इसने तो अब तक गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया है सो so एक्चुअली वैसे देखा तो दिस कि कंडीशन ये है का गवर्नमेंट बट अभी तक उसने डिपॉजिट तो किया नहीं था और ये भाई ने जीएसटी अवेल करके यूटिलाइज भी कर दिया okay. तो गवर्नमेंट उधर बोम्बा मार रहा है उधर से किया भाई तुने यूटिलाइज कर दिया यूटिलाइज कर दिया यूटिलाइज कर दिया बट इसमें इस इसको समझा और ये बहुत इनोसेंट आदमी था और ये इनोसेंट आदमी ठीक है मैं रिवर्स करता हूं पर गवर्नमेंट और रुक रुक रुक, 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 रुक 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 रिवर्स मत कर रिवर्स मत कर अभी हुआ क्या सप्लायर ने जब जीएसटीआर थ्री बी भरा तभी और जीएसटीआर थ्री बी ही नहीं भरा और पेमेंट नहीं किया उसने प्रॉब्लम इधर हुआ ना प्रॉब्लम स्टार्ट तो इधर हुआ कि जीएसटीआर थ्री भी इसने भरा नहीं और इसने भाई ने जीएसटीआर थ्री बी में आई अवेल भी कर दिया नाउ पॉइंट ऐसा था कि इसको रिवर्सल करना इमीडिएट बेसिस पे मैंडेटरी था क्या सो so येस yes था पर गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया है फ्रॉम रूल नंबर थर्टी सेवन ए और रिलैक्सेशन क्या है मालूम है Recipient को बोला Recipient तो रुक वेट फॉर द सप्लायर टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट टिल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सप्टेंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर के मंथ तक टू वेट कर अगर सितंबर के मंथ तक उसने पेमेंट किया तो ठीक है तुझे रिवर्सल का कुछ भी जरूरत नहीं है इंटरेस्ट कुछ नहीं लेंगे बट अगर उसने सितंबर को पेमेंट नहीं किया उसने नेक्स्ट ईयर के सितंबर को पेमेंट नहीं किया देन इन दैट केस तुझे रिवर्स करना पड़ेगा मतलब क्या रेसिपेंट जो है ना वो रेसिपेंट अभी रिवर्सल नहीं कर रहा है रेसिपेंट इज वेटिंग फॉर द सप्लायर टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू द गवर्नमेंट बिफोर एंड ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब रेसिपेंट ऐसा ही है वो तक। अगर उसने सितंबर तक पेमेंट किया तो वेरी गुड नथिंग टू बी डन विद द विदिपेंट बुक्स बट अगर उसने सितंबर तक नहीं किया पे फॉर एग्जाम्पल तक उसने अगर पे नहीं किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम रेसिपेंट को रेसिपेंट को रिवर्सल करना पड़ेगा विद इन टू मंथ्स सर रिवर्सल मतलब क्या एडिड टू आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी दो महीने के अंदर अंदर मुझे उसका रिवर्सल करना पड़ेगा नाउ द पॉइंट इज कि सर रिवर्सल जो मैं इधर करूंगा इसमें क्या इंटरेस्ट लगेगा क्या नहीं बिकॉज इसमें मेरा कुछ गलती नहीं था ना इसके वजह से विद इन टू रिवर्सल को इंटरेस्ट नहीं लगेगा ये इधर से तो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं आता नहीं लगेगा तो गवर्नमेंट ने बोला ये तू दो महीने देने रिवर्सल करने के लिए तूने अगर विद इन ये टू मंथ्स भी रिवर्सल किया ना तो भी उस इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा बट अगर तूने विद इन टू मंथ रिवर्सल नहीं किया तो हम लोग तुझे आफ्टर टू मंथ्स इंटरेस्ट लगाना चालू करेंगे फॉर एग्जांपल यू रिवर्सड इट ऑन 25 12 2024 तो तुझे 18% पर एनम के हिसाब से रिवर्सल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये 30th नवंबर नहीं है 30th सितंबर है रूल 37 ए इज द ओनली रूल विच इज टॉकिंग अबाउट 30th सितंबर बाकी किधर भी 30th सितंबर के बारे में बात नहीं किया है So, मुझे क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट पर एनम फॉर द पीरियड आफ्टर थर्टी इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर जितना डिले करेगा आफ्टर टू मंथ्स उतना तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा अभी इसके साथ क्या होगा वो अभी इधर थर्टी सेवन ए में डिस्कस नहीं किया है इस सप्लायर के साथ क्या होगा वो डिस्कस इधर नहीं किया है बट वी आर टॉकिंग अबाउट द आई टी सी राइट सो आई टी सी के चैप्टर में क्या है आई टी सी रिवर्सल होगा क्या सो आई टी सी रिवर्सल नहीं होगा टिल थर्टी नाइन और अगर थर्टी नाइन के पहले इफ ही मेक्स द पेमेंट तो परफेक्ट है नो नथिंग टू बी रिवर्स बट अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो ये जो आई टी सी लिया था विद इन टू मंथ्स मुझे रिवर्स करना पड़ेगा अच्छा मुझे रिवर्स किया तो ठीक है रिवर्स नहीं किया तो जब भी मैं रिवर्स करूंगा वो इंटरेस्ट के साथ साथ रिवर्स करना पड़ेगा रिवर्स मतलब क्या एडेड टू आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी थर्टी एथ सेप्टेंबर रूल्स में ही दिया है सो दिस इज योर रूल नंबर थर्टी सेवन ए

तो इसमें कुछ भी रिवर्सल करने का जरूरत नहीं है अगर पेमेंट नहीं किया तो इन टू मंथ मुझे क्या करना पड़ेगा रिवर्सल करना पड़ेगा तो रिवर्सल अगर कर दिया तो ठीक अगर नहीं किया तो इंटरेस्ट के साथ साथ पेमेंट करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट का पीरियड विल बी दिस पीरियड ठीक है सो दिस इज योर रूल नंबर थर्टी सेवन एकदम यस मैन आई नो रिकॉर्ड एंड में प्रॉब्लम होता ही है सो आई कैन प्राउडली सी दिस दैट वी आर डन विद द आईटीसी जितना हम लोग ने आईटीसी में किया ना उतना करके जाओ मोर देन सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट कुछ प्रॉब्लम नहीं है जितना किया है उतना करो बहुत है आई टीसी में और जब भी हम लोग कल क्वेश्चंस करेंगे ना दोस्त इतना मजा आएगा ना तुम लोगों को क्वेश्चंस करते वक्त और तुम लोगों को बताओ कल हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे लिखना है वही थोड़े लोगों को आईटीसी के आंसर्स नहीं आते लिखने के लिए सो हम लोग कल सीखेंगे कि कैसे आईटीसी के आंसर्स लिखने हैं वर्किंग नोट्स कैसे लिखने हैं एवरीथिंग वी विल

नाइस, ग्रेट गुड सो आईटीसी डन एंड डस्टेड है एक चीज तुम लोगों को क्या करना है दैट आज के आज प्लीज़ ये पढ़ना चैप्टर जैसे तुम लोगों को टाइम मिलेगा जैसे आजू बाजू का तुम लोगों के सब्जेक्ट्स होंगे वो थोड़ा सा मैनेज करके ट्राई टू रीड आईटीसी एक बार कुछ भी वीडियोस मत देखना वीडियोस मत देखना खुद ट्राई करना जो कर रहे हो ठीक है उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग आई के क्वेश्चन करेंगे ठीक है मैं पहले ही बता रहा हूँ कल लाइव आना है तो आ सकते हो लाइव के बाद मैं प्राइवेट करूँगा वीडियो बिकॉज क्वेश्चन का है ठीक है लाइव आना है तो आ जाओ ठीक है वेरी गुड थैंक यू वेरी मच आई विल सी यू टुमारो अभी के अभी चार्ट दे रहा हूँ मैं आधा घंटा रुको मैं आधे घंटे में तुम लोगों को सब चार्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप के तुम लोगों को दे देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक बार देख लेना तुम लोगों को टू फोर्टी फाइव के पहले चार्ट्स मिल जाएंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच अगर आपको तुम लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो प्लीज़ एक बार लाइक करना अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना Uh, और यस uh, सब्सक्राइब yes, करना यही तो चीज़ है यार हम लोग जो हमेशा बोलते हैं यस चलो सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर uh, में कल मिलेंगे यूट्यूब पे मिलेंगे लाइव होगा उसके बाद प्राइवेट किया जाएगा वन सेकेंड चलो थैंक यू वेरी मच दिस इज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो डैन ब बाय सी यू एंड टेक केयर ब बाय